जी तो आपने वॉइस सेट हुई क्विकली मुझे बता दें जिन स्टूडेंट ने स्ट्रीम को ज्वाइन किया, ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरा वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर। जी तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें, क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आज हमारा ऑफ के जेएसयू का लेक्चर है, जिसमें कल हम लोगों ने देखा था कि गेस्ट पोस्ट बेसिकली क्या होती है और हम किस तरह से सेल परचेज कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग अपने पास अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग की, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो और हम लोग उसके थ्रू अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है तो गुड। अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आप लोगों को अगेन, अगर कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों को रिपीट कर सकूं। जी तो मेरे वॉइस, वालेकुम सलाम आलमदार। अटेंडेंस ऑन गुड, मुझे मेरे वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, इसके बारे में अगर आपको बता देंगे। लास्ट टाइम उमर बाजवा ने बताया कि सर मेरे वॉइस रोबोटिक है, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे वॉइस रोबोटिक है कि मेरे वॉइस क्लियर है। और हम लोग आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि आज ऑफ पेज एसईओ में है। और हम लोग आज ऑफ पेज एसईओ में कुछ सर्विसेज को देखेंगे फाइवर में। चले, थैंक यू, मेरा वॉइस क्लियर है। हम लोग कुछ सर्विसेज को देखेंगे और सर्विसेज के साथ साथ आज हम लोग प्रैक्टिकली बैकलिंक क्रिएट करना भी सीखेंगे, हम लोग किस तरह से बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अटेंडेंस रन गुड, आफाक चताला। मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर है। जी तो जब हम लोग बात करते हैं ब्लॉगिंग की, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग में बेसिकली हम लोगों ने जो ब्लॉगिंग की डेफिनेशन को ही पढ़ा था क्लास में, वो थी कि हम लोग स्क्रीन शेयर है, थैंक यू। ब्लॉगिंग की डेफिनेशन में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें डिफरेंट स्किल्स होते हैं। जो ब्लॉगर होता है उसके पास डिफरेंट स्किल्स होते हैं, तो वो अपने ब्लॉग को मैनेज करता है और उसको गूगल में या फिर सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस में रैंक करता है। फर्स्ट पोजीशन उसकी आती है, सेकंड आती है, तो उसके थ्रू उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। अब स्किल्स कौन कौन से हैं, बेसिकली इस वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस वक्त स्किल्स सीख रहे हैं। स्किल्स सीख रहे हैं लाइक ऑफ पेज एसईओ पे स्किल्स सीख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं, निशेस किस तरह से फाइंड करते थे, वो थी एक बेसिक टर्म। आप लोगों की बेसिक टर्म इस तरह थी कि क्लाइंट आपको कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे निश फाइंड करके दें, क्लाइंट ने ऑलरेडी अपनी निश फाइंड करके की होगी और वो आप लोगों से डिमांड्स ये जरूर करेगा कि मुझे कीवर्ड्स फाइंड करके दें। ठीक है, तो एक मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप लोगों ने कीवर्ड्स किस तरह से फाइंड करने हैं मोज के थ्रू, और डिफरेंट मेथड्स हम लोग और भी इम्प्लीमेंट करेंगे और भी यूज़ भी करेंगे किस तरह से हम लोग कीवर्ड्स फाइंड करते हैं।
माउस के अलावा हम लोग AHRF में देखते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ब्लॉकिंग का जो हमारा ये कोर्स इस वक्त चल रहा है, तो इसमें हम लोग एडवांस लेवल की ब्लॉकिंग सीखें। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी स्किप ना हो जो कि हम लोग बेसिक लेवल तक ही सीखें और हम लोग एडवांस में ना जाएं। ठीक है, तो हम एडवांस लेवल तक सीखेंगे और हम लोग देखेंगे तमाम टूल्स को भी यूज़ करना इसी में। और इसके साथ साथ हम लोगों ने कल गेस्ट पोस्टिंग की बात की, तो आफाक चताला का क्वेश्चन है कि सर गेस्ट पोस्ट पर DA PA के थोड़ा सा रिपीट कर दें। चलें, DA PA को मैं रिपीट कर देता हूँ, और इसके साथ ही आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने। और अगर आप लोग माउस के थ्रू थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों का डेवलप होता है कीवर्ड रिसर्च में, तो बहुत सी चीज़ें हैं फाइवर के थ्रू हम लोग सीखेंगे। सेम लाइक मैं यहाँ पर आकर फाइवर को ओपन करता हूँ, तो हम लोग कीवर्ड रिसर्च में एक KGR फार्मूला है। ठीक है, हम लोग KGR फार्मूला के थ्रू भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, और इसकी प्राइसेस बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, इस सर्विस की इसने ऑलमोस्ट 108 ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट किए हुए हैं। ऑर्डर्स इसके ज़्यादा होंगे, लेकिन इसका लेवल 2 है और 108 इसको रिव्यूज़ मिले हुए हैं। 30 KGR कीवर्ड्स एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोग कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं, और हम लोग इसको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसी तरह हम लोग एडवांस लेवल में देखेंगे कि हम लोग किस तरह से कीवर्ड्स को सर्च करते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जस्ट 107 सर्विसेज हैं, और आप लोग क्लाइंट कभी भी आपसे ये डिमांड कर सकता है कि KGR फार्मूला के मुताबिक मुझे कीवर्ड रिसर्च करके दें। तो आपको इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए कि कीवर्ड रिसर्च KGR फार्मूला से किस तरह से करते हैं। ठीक है, और फर्दर जी वालेकुम सलाम। और उसके बाद हम लोग जब भी बात करते हैं बैकलिंक्स की, बैकलिंक्स तो क्लाइंट, मैं अगेन एंड अगेन आपको बैकलिंक्स के ऊपर मेरा इतना ज़्यादा फोकस क्यों है, ऑफ पेज SEO के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस क्यों है। अगर आप फेसबुक के ग्रुप्स देखेंगे तो फेसबुक के ग्रुप्स में अगर आप अपनी सर्विसेज बताते हैं कि आप लोग बैकलिंक्स क्रिएट करके दे सकते हैं, तो वहाँ पर ही आप लोगों को बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि आपसे सर्विसेज लेना चाहते हैं। ठीक है, बैकलिंक्स एक ऐसा काम है जिसको लोग जिनको अगर वो जिनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए इसमें, ठीक है, वो तो बहुत लाइक करते हैं बैकलिंक्स को क्रिएट करना, फॉरम्स के बैकलिंक को क्रिएट करना। या फिर मैं अगर एक कीवर्ड लिखूं फॉरम बैकलिंक, तो उसकी प्राइसेस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉरम बैकलिंक्स। ठीक है, बैकलिंक्स के ऊपर मेरा इतना ज्यादा फोकस इसलिए है आप लोगों की क्लास में, क्योंकि बैकलिंक्स के थ्रू ही आप लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। ये ऐसी सर्विस है जो कि आपको 5 to 6 month की आपकी जॉब की गारंटी देती है। ये एक वो सर्विसेज है। एक क्लाइंट आया, उसने आके आपको वीडियो एडिटिंग का कहा, आपने उसे वीडियो एडिट करके दे दी, तो उसे अच्छी लगी, तो दोबारा उसको अगर 1 week बाद 2 week के बाद उससे जरूरत हुई तो वो आपको कहेगा कि मुझे अगेन वीडियो आप एडिट करते हैं। या फिर आपने एक बार वो आया आपके पास, उसने अपना लोगो क्रिएट करवाया, और उसके बाद थोड़े दिन बाद वो फिर से अगेन अपना लोगो जो है वो चेंज करवाने आ सकता है या फिर नया क्रिएट करवाने आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं जो एक बार बनती हैं, लेकिन बैकलिंक्स जो है ये आपको डेली ज़रूरत होगी, आपके क्लाइंट को डेली ज़रूरत होगी कि आप लोग उसको सर्विसेज चाहिए होंगी आपकी। ठीक है, बैकलिंक्स आज हम लोग क्रिएट करेंगे, आज हम लोग प्रोफाइल बैकलिंक्स भी क्रिएट करेंगे। आज का हमारा प्रैक्टिकल सेशन यही है कि हम लोग बैकलिंक्स को क्रिएट करेंगे और प्रोफाइल बैकलिंक्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं ये हम लोग तमाम चीज़ें देखेंगे भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाती है हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज, हाई निच फॉरम बैकलिंक्स। ठीक है, अब निच फॉरम बैकलिंक्स में थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, 5 फॉरम बैकलिंक्स वो क्रिएट करके दे रहा है। निच फॉरम बैकलिंक्स में वो जस्ट 5 निच फॉरम बैकलिंक्स क्रिएट करके दे रहा है। प्राइस उसकी क्या है, 4200। 5 फॉरम बैकलिंक्स, जस्ट 5 बैकलिंक्स। अगर आप लोगों को एक पूरा दिन भी लग जाए फॉरम के बैकलिंक क्रिएट करते हुए, ठीक है, जो मैं आप लोगों को फार्मूला बता सकता हूँ उसके थ्रू आप लोग 15 to 20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स में ये लिंक्स क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, 5 फॉरम, ये थोड़े ऐसे टेक्निकल होते हैं, जस्ट इसकी फॉरम्स के बैकलिंक के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो क्या यहाँ पर 4000 प्राइस है? ठीक है, एक सर्विस की अरेबिक फॉरम्स, उसके बाद नेक्स्ट फॉरम्स के बैकलिंक्स हैं, फोरेक्स एंड क्रिप्टो,
हाई अथॉरिटी जर्मन बैकलिस्ट फॉरम पोस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं तो 100 अरेबिक फॉरम्स उसने फाइंड किए होंगे, उसकी 4200 प्राइस है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आप लोग, 5 लिंक्स आप लोगों को मिल रहे हैं फॉरम बैकलिंक्स इन योर नीच 3300, ठीक है। और यहाँ पर 30 फॉरम बैकलिंक्स जर्मन एसईओ, 10 जर्मन एसईओ फॉरम बैकलिंक्स यहाँ पर इस सर्विस में 3300, स्टैंडर्ड में 2600 और प्रीमियम में 10,000, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉरम्स के बैकलिंक्स जो हैं हम लोग क्रिएट करते हैं। हो सकता है कि हमें एक दिन लगे 20 बैकलिस्ट को क्रिएट करते हुए, 30 बैकलिस्ट को क्रिएट करते हुए हमें एक दिन लगे, लेकिन हमारी अर्निंग भी फिर 10,000 8,000 के मुताबिक जा रही है, ठीक है। और क्लाइंट को कभी भी 5 7 8 10 फॉरम्स के बैकलिंक्स नहीं चाहिए होते, उसको लॉन्ग टर्म बैकलिंक्स चाहिए होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी वेबसाइट को, ब्लॉग्स को रैंक करने के लिए, ठीक है। तो ये तो थी तमाम चीज़ें आप लोगों को बताने का मकसद कि बैकलिंक्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप लोग जितना चाहें अर्न करें और जितने आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, हर तरफ से आपके पास क्लाइंट्स होते हैं। अगर हम लोग देखें गेस्ट पोस्टिंग है तो प्रोफाइल है, फॉरम है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग एक एक सर्विस को भी देखते जाएंगे और हम देखते जाएंगे कि इसमें कितने ऑर्डर्स क्यों हुए, और जो हमने फाइंड किया उसमें तमाम लोगों के पास 3 to 4 ऑर्डर्स क्यों हुए थे, ठीक है। अब आते हैं आफाक जितला के क्वेश्चन का, सर डीए और पीए के बारे में बता रहे हैं, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के बारे में बता दें। आज थोड़ा सा लैपटॉप में इश्यू है, समटाइम्स लैपटॉप जो है वो वर्क ही नहीं कर रहा होता कुछ चीजों के बारे में। पहले अगर मेरे लैपटॉप पे मैं ऑनलाइन नोटपैड फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग आते हैं आज बैकलिंक्स क्रिएट करने की तरफ, ठीक है। तो मैंने एक ब्लैंक पेज जो है वो ओपन करता हूँ, और यहाँ पर आज हम लोग अपना कंटेंट जो है उसे सेव करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बैकलिंक्स और डीएपी पेज। हमारा आज का टॉपिक है ऑफ पेज एसईओ, और यहाँ पर हम लोग आते हैं और अपने टेक्स्ट का साइज जो है वो बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो। तो ऑफ पेज एसईओ में, ठीक है, हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी को देखना है। डीए इक्वल टू डोमेन अथॉरिटी और सेकेंड पीए इक्वल ठीक है। अब मोज, हमें डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के बारे में कौन बताता है? हमें मोज बताता है। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के बारे में हमें कौन बताता है? हमें मोज बताता है। अब बेसिकली किसी को भी बैकलिंक चाहिए, अब आप हैं, आप कहते हैं कि आपको एक बैकलिंक चाहिए, ठीक है, तो आपको कहाँ से बैकलिंक चाहिए होगा? दो आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, आपको बैकलिंक चाहिए और कहाँ से बैकलिंक चाहिए। एक आपके पास ऑप्शन है हाई अथॉरिटी बैकलिंक चाहिए, और एक आपके पास ऑप्शन है कोई भी बैकलिंक मुझे मिल जाए वो काफी है, ठीक है। जब आपको हाई अथॉरिटी का बैकलिंक मिलेगा उसमें अगर वो डू फॉलो होता है तो उसमें लिंक जूस पास होता है, तो हाई अथॉरिटी आपको अच्छी अथॉरिटी जो है पास होगी, आपको भी अच्छी अथॉरिटी मिलेगी। अब जिसकी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, लो अथॉरिटी बैकलिंक है, जिसकी अथॉरिटी नहीं है तो वो आपको अथॉरिटी क्या शेयर करेगा? जिसकी खुद की अथॉरिटी 8 to 10 है वो आपको कितनी अथॉरिटी जो है वो शेयर कर सकता है, या आपको कितनी अथॉरिटी जो है मिल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हमें बैकलिंक चाहिए होते हैं तो हमें हाई डोमेन अथॉरिटी से बैकलिंक चाहिए होता है,
ये मोज हमें बताता है कि किस वेबसाइट की कितनी अथॉरिटी है, ठीक है। मोज एक डिफरेंट टूल है, थर्ड पार्टी टूल है, जो कि हमें बताता है कि इसकी कितनी अथॉरिटी है इस ब्लॉग की, इस वेबसाइट की, इस फॉरम की। किस कहीं से भी आपको बैकलिंक चाहिए होता है तो आपके इस पेज की कितनी अथॉरिटी है हमें मोज बता रहा होता है, और हम लोग वहां से बैकलिंक ले रहे होते हैं हाई अथॉरिटी से, ठीक है। तो जब हम लोग हाई अथॉरिटी का लिंक से लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पर मेरे पास मोज है, तो मैं कुछ ओपन करके दिखाऊंगा आप लोगों को साइट्स, ठीक है, जिनकी अथॉरिटी को हम लोगों ने काउंट करना है। अब दो चीजें होती हैं, नंबर वन हमारे पास मोज है और नंबर टू हमारे पास EHRF है, ठीक है। EHRF हमें क्या बताता है? EHRF हमें बताता है कि हमारे पास डोमेन रेटिंग क्या है, ठीक है। हमारे पास डोमेन रेटिंग क्या है, EHRF हमें ये चीज बता देते हैं, ठीक है। और EHRF सर डोमेन रेटिंग के बाद यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि डोमेन रेटिंग के बाद इसकी URL रेटिंग, जिसके हम लोग कहते हैं URL रेटिंग, ठीक है। अब ये दोनों अथॉरिटीज बता रहे हैं, डोमेन रेटिंग डोमेन अथॉरिटी मोज बता रहा है, डोमेन रेटिंग जो है वो आप लोगों को EHRF बता, दोनों ठीक है, दोनों का एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, दोनों टूल्स एक डिफरेंट थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जो कि आप लोगों को अथॉरिटीज बताती हैं, ठीक है। अगर EHRF के थ्रू जाते हैं तो अच्छे DR के बैकलिंक्स लें, अगर मोज के थ्रू जाते हैं तो आप लोग अच्छी डोमेन अथॉरिटी के बैकलिंक्स लें। अब क्लाइंट डिपेंड करता है कि क्लाइंट किसको लाइक करता है, वो डोमेन अथॉरिटी को लाइक करता है कि डोमेन रेटिंग को लाइक करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो मोज को फॉलो करते हैं, मैक्सिमम ऑलमोस्ट 70% लोग जो हैं वो आपके पास आएंगे जो कि कहेंगे कि डोमेन अथॉरिटी उसकी 50 होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, 70, 80, 90, 100, कितनी अथॉरिटी का उसे बैकलिंक चाहिए। और हम लोग बात कर रहे होते हैं हमेशा हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स की, ठीक है। हम कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं देते कि हम लोग कितनी अथॉरिटी के बैकलिंक आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें हाई अथॉरिटी की बात जरूर करते हैं, क्योंकि वो हमें पे कर रहे हैं और हमें उन्हें हाई अथॉरिटी के बैकलिंक्स चाहिए होते हैं, ठीक है। मोज और EHRF दोनों चीजों का आप लोगों को पता होना चाहिए, और आप लोग अपने पास ये नोटपैड में सेव भी कर सकते हैं, अपने नोटबुक में आप लोग ये चीजों को सेव भी कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं ओपन करता हूँ गूगल गूगल शीट्स, ठीक है। मैंने गूगल शीट को ओपन किया तो एक क्लाइंट आया और उसने मुझे आके बताया कि मुझे एक हाई अथॉरिटी का बैकलिंक चाहिए, ठीक है। मैं उसे अपनी लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, भाई अपनी मर्जी का एक ब्लॉग जो है वो आप लोग चूज करें, और जहां से भी आपको बैकलिंक चाहिए मुझे बताएं, मैं आपको एक लिंक जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। ये तो है बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग की साइट, यहाँ पर तो हमें पता है कि हमने किसके ऊपर बैकलिंक उसे प्रोवाइड करना है, किसके ऊपर नहीं, ठीक है। और इसी तरह जब हम लोग बात करते हैं अपने पास सोशल मीडिया प्रोफाइल बैकलिंक्स की, जिसे हम लोग ब्रांडिंग भी कहते हैं, जो कि आज हम लोग क्रिएट भी करेंगे, उसमें क्या होता है, सोशल मीडिया में अगर हम लोग पिंट्रस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर मोज को लॉग इन कर लूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि पिंट्रस्ट उसकी कितनी अथॉरिटी है, उसकी 90+ अथॉरिटी है, ठीक है। उसी के साथ ही हमारे पास मोज है, मोज की कितनी अथॉरिटी है, इसकी 90+ है। हमारे पास एप्पल है, एप्पल की अथॉरिटी कितनी है, 90+। अब देखें मोज 91 है, जब वो कहेगा कि मुझे 90+ का बैकलिंक चाहिए तो हम लोग डेफिनेटली उसे मोज से देंगे बैकलिंक क्रिएट करके, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फॉरम्स आ जाते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया आ जाता है, हमारे पास पिंट्रस्ट आ जाता है, हमारे पास ट्विटर आ जाता है, हमारे पास बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन कितनी मिनिमम अथॉरिटी वाला बैकलिंक जो है वो अच्छा है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है फाक जताला आज के दिन का, आई थिंक आपने स्टार्ट में सबसे अच्छा क्वेश्चन कर दिया। खैर ये मैं आपको बताता हूँ, तो 90 DA इसकी अथॉरिटी है। उसके बाद आप लोगों के पास किसी भी और को सोशल मीडिया प्रोफाइल बैकलिंक्स, अब मैं आपके सामने एक लिस्ट ओपन करता हूँ और बताता हूँ कि कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और वहां से हमें बैकलिंक्स किस तरह से मिल सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया प्रोफाइल बैकलिंक्स, ठीक है। हम लोग गूगल में सर्च करते हैं सोशल मीडिया हाई अथॉरिटी प्रोफाइल बैकलिंक्स या सोशल मीडिया बैकलिंक्स, तो क्रिएट 300 सोशल मीडिया प्रोफाइल बैकलिंक्स फॉर SEO रैंकिंग, अभी उसका टाइटल है, ठीक है, fivesquid.com है, और ये एक वेबसाइट है जहाँ पे सर्विसेज मिल रही हैं, और आई थिंक ये किसी सर्विस की ही किसी की गिग ही रैंक हो चुकी है, तो
फाइव स्क्रिप्ट जो है वो एक अलग से सर्विसेज के लिए यूज होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक कीवर्ड लिखते हैं हाई अथॉरिटी प्रोफाइल बैकलिंक्स लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ और मेरे पास यहाँ पर 90 प्लस प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स आ जाती हैं, जहाँ पर मैं प्रोफाइल्स अपनी क्रिएट कर सकता हूँ और इनके ऊपर मैं अपने लिंक्स क्रिएट करके दे सकता हूँ। फाइव स्क्रिप्ट को हम लोग स्किप करते हैं, वो एक सर्विसेज वाली है वेबसाइट। तो यहाँ पर हमारे पास 90 वेबसाइट्स आ जाती हैं जहाँ पर हम लोग अपने प्रोफाइल लिंक्स जो हैं वो क्रिएट करके दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। अब क्लाइंट हमें कहता है कि मुझे प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट करके दें, ठीक है भाई। यहाँ पर हम लोग आते हैं फ्रेड साइट, इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है 35। ठीक है, ये आ गई हमारे पास टॉप 10 प्रोफाइल क्रिएशन हाई टी ए साइट्स। अब गिटहब, यहाँ से हमें बैकलिंक मिलता है, उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है 96। TED.com से हमें बैकलिंक मिलता है, इसकी अथॉरिटी कितनी है 93। Quora.com से हमें लिंक मिलता है, उसकी अथॉरिटी कितनी है 93। Academia.edu 93। SoundCloud, यहाँ से बैकलिंक मिलता है हमें 93। Behance.net 92। About.me 92। Last.fm 91। Crunchbase 91। SBNation 90। अब इनकी अथॉरिटी जो कितनी है, अब आप लोग खुद देखें, यहाँ से हमें मैक्सिमम हाई अथॉरिटी के बैकलिंक्स जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, और क्लाइंट भी चाहता है कि उसके हाई अथॉरिटी के बैकलिंक्स ही चाहिए, उसको लो अथॉरिटी के बैकलिंक्स नहीं चाहिए। अगर आप लोग अपने ब्लॉग के ऊपर वर्क कर रहे हो या फिर कुछ भी, आप लोग कहते हैं कि हाई अथॉरिटी के बैकलिंक्स, और अगर वाकई में एक ये जुमला जो है ये आप लोगों के लिए काफी होगा, पूरे के पूरे एसईओ के लिए जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों ने अपने ब्लॉग को रैंक करना है, आप लोगों ने अपने क्लाइंट के ब्लॉग को, साइट को, स्टोर को रैंक करना है, तो आप लोगों के जो बैकलिंक है वो मिनिमम 30 DA का होना चाहिए आपका बैकलिंक मिनिमम। ठीक है, 30 से कम वाले बैकलिंक्स कोशिश करें कि ना लगाएं, 30 से कम DA वाले बैकलिंक्स कोशिश करें मत लगाएं, 30 से अबव वाले जितने भी हैं वो आप लोग लगा सकते हैं। DA 30 से प्लस से ऑनवर्ड आप लोग 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये आप लोगों के पास प्लस पॉइंट है। ठीक है, अगर आप 30 से कम वाले बैकलिंक्स क्रिएट करते जाते हैं वो इजीली क्रिएट होते हैं, लेकिन जहां पर बात होती है अथॉरिटी इज बेटर, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी, हमेशा से एसईओ में ये बात कही जा रही है। तो इसी तरह आप लोगों के पास क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि आप लोगों के पास क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, दिन में बेशक एक बैकलिंक क्रिएट करें, लेकिन वो हाई अथॉरिटी का होना चाहिए, ना कि आप लोग 10 बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं और वो लो क्वालिटी के बैकलिंक्स हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया, फाक्स ताला 30 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग माउस के थ्रू आए और वैसे भी यहाँ पर इसने हमें बता दिया कि कितने प्रोफाइल्स हैं जिनकी अथॉरिटी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोफाइल क्रिएशन आ जाती है फॉरम्स की। अब एडोब एक कम्युनिटी है, इससे भी आप लोगों को बैकलिंक मिल सकता है 98, उसकी डोमेन अथॉरिटी है। mozilla.org इसकी 97 है। मीडियम, स्लाइडशेयर, ग्रेवेटर, archive.org, इसब्सक्राइब, थीम फॉरेस्ट, डिस्कस फॉर शेयर, बस फीड, गुड रीड्स, इंस्ट्रक्टेबल्स, ये यहाँ से तमाम से आप लोगों को लिंक मिल सकते हैं। लाइव जर्नल, फ्लिकर, हब पेजेस, ठीक है, सीकिंग अल्फा, ऑडियो बूम, DP रिव्यू, माइंड्स, प्रोडक्ट हंट, यहाँ से आप लोगों को तमाम साइट से आप लोगों को लिंक मिल जाते हैं। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ वेबसाइट्स की अपडेट आ जाती है, आपको वहाँ से लिंक नहीं मिलता, लेकिन अगर आप लोग 100 यहाँ से साइट्स को फाइंड करें, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, तो आप लोगों को पता होगा कहाँ कहाँ से आप लोगों को लिंक मिलता है। गिटहब से लिंक मिलता है आपको, टेड से मिलता है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के भी आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, गिटहब से भी आपको लिंक मिलता है, टेड से भी मिलता है, कोरा से भी मिलता है, एकेडमिया से भी मिलता है, साउंड क्लाउड से भी मिलता है, बिहार से भी मिलता है, अबाउट मी से भी मिलता है, last.fm से भी मिलता है, क्रंच बेक्स और SBNation से भी मिलता है। क्रंच बेक्स बेस का मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इसकी लास्ट अपडेट में आप लोगों को इससे लिंक मिलता है कि नहीं। तो अब आप लोग गूगल के थ्रू लिस्ट फाइंड करते हैं, डेली आप लोग लिस्ट फाइंड कर रहे हैं हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स और लिंक्स क्रिएट किए जा रहे हैं। और जब आप लोग लिंक्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास एक लिस्ट क्रिएट हो रही है जहाँ जहाँ पर लिंक्स किस तरह से लग रहे हैं। प्रोफाइल लिंक्स आप लोगों ने क्रिएट करने, जो कि आज का हमारा टॉपिक है प्रोफाइल लिंक्स। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक में हम लोगों ने क्या करना है, प्रोफाइल बैकलिंक्स हम लोगों ने क्रिएट कर लें।
आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी डेली के आप लोगों ने कितने प्रोफाइल लिंक्स, आपका लिंक्स किस तरह से प्रोफाइल में लगना है, आप हर एक का डिफरेंट है। फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करना हो तो उसका एक डिफरेंट क्राइटेरिया या डिफरेंट उसका मेथड है, मोज का करना हो तो डिफरेंट है, और इसी तरह हमारे पास पूरी दुनिया में जितने भी सोशल मीडिया यूज हो रहे हैं उनका डिफरेंट मेथड्स हैं प्रोफाइल लिंक्स क्रिएट करते हुए या फिर उनकी प्रोफाइल्स को क्रिएट करते हुए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वापस फाइबर में, और फाइबर में देखते हैं कि प्रोफाइल बैकलिंक्स के हमारे पास ऑर्डर कितने हैं, और ऑर्डर्स के बाद हम लोग मूव करेंगे प्रोफाइल बैकलिंक्स की प्रैक्टिस, और मैं आपके सामने आज लिंक्स क्रिएट करना सिखाऊंगा आप लोगों को कि लिंक्स किस तरह से क्रिएट करते हैं और इस मेथड को आप लोगों ने फॉलो करना है, और किस तरह से लिंक्स क्रिएट किए जा रहे हैं, क्या नेम रखना है क्या नहीं रखना है, ये तमाम चीजें। ठीक है, तो एक बार हम लोग फाइबर को देखें, अपनी सर्विस को देखें जो कि हम प्राइस सीखने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे प्रोफाइल बैकलिंक्स के इसके कितने ऑर्डर्स हैं और हम लोग क्या अर्न कर सकते हैं इसके थ्रू के नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रो एसईओ, हाई क्वालिटी हाई डीए 300 सोशल प्रोफाइल बैकलिंक्स, 3000 निश रेलिवेंट। अब बहुत से लोग हैं उन्होंने प्रोफाइल बैकलिंक्स में भी और भी बहुत सी चीजें जो है वो ऐड की हुई। ठीक है, तो 120 प्रोफाइल बैकलिंक्स, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सर्विसेज को ऑन किया, तो आई विल क्रिएट 75 हाई अथॉरिटी प्रोफाइल बैकलिंक्स। ठीक है, अब ये हाई अथॉरिटी प्रोफाइल बैकलिंक्स जो क्रिएट करके दे रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इसे एक मैसेज करूँ कि काइंडली शेयर विद मी सैम्पल, तो ये मुझे सैंपल भी शेयर करेगा, 5 डेज में वो क्रिएट करके दे रहा है, तो वही होंगे जो कि हम लोग क्रिएट करें। टोटल इसके रिव्यूज कितने हैं, 103। बेसिक इसका प्लान क्या, 4000। अगर आप लोग यहाँ पर कैलकुलेटर ही देख लें, ठीक है, जस्ट एक स्किल, उसके पास तमाम के पास ऑर्डर्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं 103 उसके ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हुए। 103 मल्टीप्लाई बाय, और उसका बेसिक प्लान कितना है, बेसिक प्लान उसका है जी 4245। ठीक है, तो हम लोग एक एवरेज 4000 लेते हैं, ऑलमोस्ट 4,12,000 वो अर्न कर चुका है जस्ट प्रोफाइल बैकलिंक से, और इसमें कोई भी उसके पास हाई फाई स्किल नहीं है। ठीक है, कोई भी उसके पास हाई फाई स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, जस्ट उसे बैकलिंक्स आते हैं क्रिएट करने, और बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए अपने टाइम को सेव करने के लिए आप लोगों को जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट में हमारे पास 2 ऑर्डर्स क्यों में, हमें इसने 262 ऑर्डर्स इस किक के ऊपर कंप्लीट किया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास कितने आ रहे हैं, 117 ऑर्डर्स उसने क्यू में हैं, और उसके पास 2 ऑर्डर्स क्यू में हैं, 117 ऑर्डर्स उसने कंप्लीट किए हुए हैं, 300 सोशल प्रोफाइल बैकलिंक्स फॉर हाई डीए डीए पीआर पेज रैंक सोशल बैकलिंक्स। ठीक है, अब 30 बैकलिंक्स वो क्रिएट करके दे रहा है $5 में, 300 क्रिएट करके दे रहा है 6000 में, और 600 क्रिएट करके दे रहा है 13000 में। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कभी भी आप लोग 300 600 बैकलिंक्स की तरफ मत जाएं, आप लोग कोशिश करें 30 60 और 100 100 बैकलिंक्स से ज्यादा बैकलिंक्स आप लोग क्रिएट करके मत दें अपने क्लाइंट्स को। 100 बैकलिंक्स आप लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल आएगी, और समटाइम क्लाइंट्स उन लिंक्स को भी एक्सेप्ट नहीं करता जो कि आप लोग फिर क्रिएट करके देते हो लो क्वालिटी के। जब हम लोग बात करते हैं हाई क्वालिटी के, तो हाई क्वालिटी के हमने क्रिएट करने, 100 लिंक्स हम लोग इजिली हाई क्वालिटी के क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो 9 ऑर्डर्स क्यू में 50 हाई डीए प्रोफाइल बैकलिंक्स $5 में, 150 2500 में, और फिर 300 जो है 4245 में, 10 डेज में इसकी डिलीवरी है, और 9 ऑर्डर्स हैं। और सबसे अच्छी चीज जो कि अब मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करने वाला हूँ, वो क्या है कि उसकी अब प्रोफाइल इमेज देखें, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, प्रोफाइल इमेज आई कैचिंग है कि नहीं है ये देखना है आपने। यहाँ पर सब लोगों ने अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट की हुई है, लेकिन इसकी प्रोफाइल को देखें, क्लियरली उसने प्रोफाइल बैकलिंक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके नीचे उसने हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, लो स्पैम स्कोर, गूगल एल्गोरिथम सेव, ठीक है, और उसके बाद उसने एक छोटा सा यहाँ पर एक ग्राफ अटैच किया हुआ है, और ये प्रोफाइल बैकलिंक्स उसने क्लियरली आप लोगों को मेंशन किया हुआ है कि मैं प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट करके दे रहा हूँ, और उसके पास 9 ऑर्डर्स क्यू में। ठीक है, क्वालिटी लिंक बिल्डिंग 600। तो ये चीजें अब आप लोगों ने कैसे करनी है, ये चीजें आप लोगों ने देखना है कि किसकी इमेज अच्छी है, उसने क्या किया हुआ है, आखिर उसके पास ऑर्डर्स क्यों ज्यादा है। जब हम लोग इन चीजों को देखते हैं, तो हमारी प्रोफाइल्स भी ऑटोमेटिकली हम लोग उन्हें सेट करते जाते हैं, टाइम टू टाइम हम लोग उन्हें सेट करते जाते हैं, और हमारी प्रोफाइल भी रैंक होती है, जो हमारी मिस्टेक्स है उन्हें हमने कवर करना है।
कहीं पर भी हमें ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था क्लियरली, जो आप सर्विस दे रहे हैं वो क्लियर एक लिखा हुआ हो, पूरे पेज में क्लाइंट को सिर्फ यही चीज नजर आ रही हो कि आप कौन सी सर्विस जो वो दे रहे हैं, ठीक है, जो कौन सी सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 50 प्रोफाइल बैकलिंक्स वो क्रिएट करके दे रहे हैं $5 में, 120 और फिर 170, 4200 में, और यहाँ पर वो 120 यूएसए पेज रैंक, 980 यू टू फॉलो एसईओ प्रोफाइल बैकलिंक सर्विसेज लिंक बिल्डिंग, ठीक है। तो ये कौन है, ये पाकिस्तानी है आई थिंक, ETU SEO फॉर USA, ठीक है। तो ये हैं जी बांग्लादेशी, बांग्लादेशी, और जून 2021 में उसने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की और 7 उसके पास रिव्यूज हैं, 5 स्टार और ऑलमोस्ट 6 और 1 7, ठीक है। और उसने अर्निंग अपनी स्टार्ट कर दी जस्ट जून में अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करते हुए, ठीक है, जून, और अभी तक हमारे पास क्या है, जुलाई, ऑलमोस्ट 1 मंथ या फिर 2 मंथ्स हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा इसे, और उसकी गिग्स देखे हैं, उसकी 4 गिग्स हैं, और उसने उसकी इमेजेस देखे हैं, और वो ज्यादा टाइम जो है वो एक्टिव रहता होगा जिसकी वजह से उसके पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। जी तो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते थे, मैंने बताया था आईबैन नंबर आप लोगों के पास होता है, आपका बैंक अकाउंट, जो भी आप लोग बैंक अकाउंट अपना क्रिएट करते हो तो वहाँ पर आपके पास एक आईबैन नंबर आपको मिलता है, चेकबुक के ऊपर लिखा होता है। अगर आप लोगों ने अपनी चेकबुक नहीं ली होती तो आप लोग अपने बैंक कॉल करके आप लोग उनसे अपना आईबैन नंबर जो है वो पूछ भी सकते हैं, और आप लोग ऑनलाइन भी अपने आईबैन नंबर को फाइंड कर सकते हैं कि आपका आईबैन नंबर क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल पेमेंट्स मंगवाने के लिए भी हमारे पास आईबैन नंबर रिक्वायर्ड होता है। और अगर हम लोग जैज कैश की बात करें तो जैज कैश आईबैन नंबर आप लोग यहां से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, आईबैन नंबर हम लोग यहां से सर्च भी कर सकते हैं, यहां से हमें आईबैन नंबर जो है वो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जैज का आईबैन नंबर जो है, हम लोग आईबैन नंबर जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग फ्रेंचाइज से भी कॉल करके अपनी डिटेल्स जो है वो पूछ सकते हैं। खैर, तो वापस आते हैं अपने बैकलिंक्स के टॉपिक की तरफ, और इस क्वेश्चन को अगर और भी डिटेल में आपको आंसर चाहिए तो हम इस लेक्चर के एंड में मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पर इसमें कोई ऐसी हाईफाई स्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस है, बैकलिंक्स में जस्ट प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना अच्छा सीख लेंगे, ठीक है। तो प्रोफाइल बैकलिंक्स में हम लोगों ने जितनी भी ऑलमोस्ट अभी तक हम लोगों ने प्रोफाइल्स ओपन की हैं उनमें ऑर्डर जरूर है, 1 ऑर्डर क्यू में, 3 ऑर्डर्स क्यू में, ठीक है, उसके बाद 2 ऑर्डर्स क्यू में, और फिर 1 ऑर्डर क्यू में, ठीक है। ये तमाम चीजें हो गई, और इसके बाद एक चीज हम लोग देख रहे हैं, पेज रैंक PR, ठीक है, हाई PR। इस चीज को मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, ऐसा ना हो कि कल को क्लाइंट आपसे कोई बात पूछे और आप लोगों को इस चीज का आइडिया ना हो कि PR बेसिकली क्या है और PR क्या लिखा हुआ। PR बेसिकली क्या होता है, PR बेसिकली पेज रैंक होता है, ठीक है। जहां पर भी PR की बात हो लाइक SEO में तो बैकलिंक्स में, तो वहां पर PR होता है बेसिकली पेज रैंक। ऑलमोस्ट 3 to 4 years पहले, 3 से 4 साल पहले तक गूगल में पेज रैंक की वैल्यू थी कि पेज रैंक आपका पेज रैंक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाईएस्ट पेज रैंक होता था, 1 लोएस्ट पेज रैंक होता था। जिसका पेज रैंक जितना अबव होता था उसकी उतनी ज्यादा अथॉरिटी होती थी, ठीक है। और 3 से 4 साल पहले ये चीजें जो है वो एंड हो चुकी हैं, और अब जो चीजें हैं वो आ चुकी हैं डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी की तरफ, जो कि मोज आप लोगों को बताता है, ठीक है। तो अब बहुत से लोग हैं वो अभी तक भी पेज रैंक उनके माइंड में है, तो वो लोग बात करते हैं कि हाई पेज PR बैकलिंक्स हमें चाहिए, हाई PR बैकलिंक्स चाहिए। तो जब भी हाई PR की बात हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाई पेज रैंक की बात हो रही है और वो हाई DA की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज की अब आपको समझ लगी, पेज रैंक जो है वो भी डोमेन अथॉरिटी है। ये चीजें अब खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के माइंड में है, या जिन लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, या जिन लोगों को जिस तरह से भी गाइड किया जाता है वो एक अलग चीज है। अब जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो भी इतना नॉलेज नहीं रखते होते, अगर वो नॉलेज रख रहे होते तो कभी कभी वो खुद भी अपने काम कर रहे होते, ठीक है। समटाइम आपके पास क्लाइंट ऐसे भी आ रहे होते हैं जो कहते हैं कि हमें SEO का जीरो आइडिया है कि बेसिकली SEO क्या है, हम लोगों को जस्ट अपने कीवर्ड्स जो है वो रैंक करने हैं, हमें अपने स्टोर के ऊपर सेल जनरेट करनी है, और अब वो किस तरह करेंगे आप हमें प्रॉपर प्लान हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपको ऑर्डर दें, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जिन्हें SEO आती नहीं है और वो यहाँ पर सर्विसेज लेने भी आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को पता होना चाहिए, और पेज रैंक, और इस चीज का भी पता हो कि पेज रैंक बेसिकली क्या है।
उसके बाद हम लोग वापस आते हैं और हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। आज का पहला बैकलिंक हम लोग क्रिएट करते हैं। और गूगल में आप लोगों को कभी भी बैकलिंक्स की जरूरत हो, ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को सर्च क्वेरीज भी शेयर करूंगा कि आप लोगों ने निच रेलिवेंट फॉरम्स को किस तरह से फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, कोई भी बैकलिंक चाहिए, दुनिया का कोई भी बैकलिंक चाहिए तो आप लोग गूगल पर लिखें आके हाई डोमेन अथॉरिटी प्रोफाइल बैकलिंक्स आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोफाइल बैकलिंक्स लिस्ट, ठीक है, हाई अथॉरिटी सोशल मीडिया प्रोफाइल बैकलिंक्स लिस्ट लिख सकते हैं, हाई अथॉरिटी प्रोफाइल, ठीक है, सोशल मीडिया प्रोफाइल बैकलिंक्स लिस्ट। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, अब यहाँ पर देखें बहुत से ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने शेयर की हुई है साइट्स, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर आना है। अब ये एक बिजनेस भी है, ठीक है, तो इस तरह नहीं है कि आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में आपको गाइड कर दिया जाए और कुछ चीजें आप लोगों से स्किप कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में क्या थिंकिंग होती है और वो किस तरह से आप लोगों को जो न्यूबीज होते हैं उनके माइंड को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आए, हम लोगों ने फॉर लिंक्स जो है वो क्रिएट किए। सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हुई, इमर्जिंग फ्री प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स, वाइल्ड क्लास लाइव, गिग एंड सी लिस्ट, ब्लॉग है, स्टोरी, वाल क्लासिफाइड्स है, क्लासिफाइड फैक्टर है, फाइंड मास्टर है, ब्लॉग फाइंडर, h1ad.com। अब ये बेसिकली क्या है, ठीक है, समटाइम आप लोगों के पास कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होंगी आप लोगों के पास जो के जहाँ पर आप लोगों के पास प्रोफाइल लिंक क्रिएशन की ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों के पास प्रोफाइल लिंक जो है वो क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं होगा। अब इसका डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 18 और 41, तो इसने क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर 19 में, इसने अपने अपने पॉसिबल होता है समटाइम्स जिनकी अपनी 8 to 10 साइट्स होती हैं वो गेस्ट पोस्टिंग अपनी सेल कर रहे होते हैं, उन्होंने भी अपनी एक ब्लॉगिंग की साइट बनाई होती है और उसमें वो आके अपनी प्रमोशन भी कर रहे होते हैं, एक आर्टिकल में 1 या 10 से 12 आर्टिकल्स में उन्होंने अपनी साइट्स भी लिखी होती हैं कि अगर आपको गेस्ट पोस्ट चाहिए इसकी डोमेन अथॉरिटी इतनी और यहाँ से भी आप लोग गेस्ट पोस्ट जो है वो ले सकते हैं। वो बेसिकली अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर रहे हैं और आप लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, दो तरह से वो अर्न कर रहे होते हैं, एक तो वो एड्स के थ्रू अर्न कर रहे होते हैं, सेकंड वो चाहते हैं कि हमारी जो गेस्ट पोस्ट की साइट है इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सेल्स है। अब यहाँ पर अगर गेस्ट पोस्ट की साइट्स हो, यहाँ पर 10 गेस्ट पोस्ट टॉप हाई अथॉरिटी गेस्ट पोस्ट साइट लिस्ट वो हो, तो आप लोग डेफिनेटली उनके साथ कनेक्ट करेंगे कि मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए, तो वो इसी ब्लॉगर्स की भी हो सकती है, ठीक है, तो हमें पता नहीं होता वो किसकी होती है साइट्स। इसलिए कोशिश करनी है कि जब भी आप लोग देखें कि कौन सी साइट्स हैं, जो चीजें आपको रिक्वायर्ड हो उसी के ऊपर आपका फोकस हो, ना कि आप डिफरेंट चीजों में भी उलझे। खैर अब हम लोग आगे, और हम लोगों ने क्रिएट करना है एक बैकलिंक, ठीक है, और वो बैकलिंक कौन सा है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार से, कर सकते हैं अबाउट डॉट मी, ठीक है, चलिए अबाउट डॉट मी। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप लोगों को बैकलिंक्स चाहिए होते हैं, ये देखें, ब्लॉगर, मीडियाफाइव, फॉरम्स डॉट एडोब, लिंक्डइन आर्काइव, एओएल, माई स्पेस, कोरा, ब्लॉग लविन, ये आप लोगों के पास लिस्ट हो रही है, ठीक है, ये कितनी बड़ी लिस्ट है आप लोगों के पास, जो लोग 600 700 बैकलिस्ट क्रिएट करके दे रहे हैं वो यहीं से करके दे रहे हैं, और यहाँ पर 657 है आई थिंक, ठीक है, ये देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी अथॉरिटी जो है वो भी कम होती जा रही है, जैसे जैसे आप लोगों की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी आप लोगों की अथॉरिटी जो है वो भी कम होती जाएगी, लेकिन हम लोगों ने हाई अथॉरिटी वर्क करना है तो हम लोगों ने हाई अथॉरिटी ही करना है। इन तमाम चीज़ों को मैं क्लोज करता हूँ और वापस आते हैं अबाउट डॉट मी के ऊपर, और यहाँ पर एक इसका DA92 है और इसका एक हम लोग एक बैकलिंक क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, किसी भी अकाउंट में हम लोगों ने यहाँ पर, अब प्रोफाइल क्रिएशन में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपने प्रोफाइल्स क्रिएट कर, किसी की भी प्रोफाइल क्रिएट करनी हो किसी भी वेबसाइट में, कहीं भी सोशल मीडिया में एक लिंक हमें क्रिएट करना हो तो हमें उसका अकाउंट क्रिएट करना होगा। पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अब हम लोग डेली तो अपने ईमेल एड्रेस से अपने अकाउंट्स जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। जब भी क्लाइंट आपको प्रोफाइल क्रिएशन की बात करें तो आपने उससे ये चीज़ जरूर पूछनी है कि वो आपको खुद ईमेल एड्रेस शेयर करेगा या फिर आप खुद से टेम्प्रोरी मेल को यूज़ करोगे, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं है कि डेली एक नया क्लाइंट आया उसके लिए नया
ईमेल आप लोगों ने क्रिएट किया, इस तरह तो आपके नंबर जो है वो 5 to 6 ईमेल के बाद एंड हो जाएगा। कल को आपको अपना ईमेल, अपने लिए ही कोई ईमेल क्रिएट करना है तो आप वो नंबर जो है वो यूज नहीं कर सकते, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्लाइंट आए उससे पूछे कि ईमेल एड्रेस वो शेयर करेगा या हम लोग टेम्प्रोरी मेल को यूज कर लें। अगर वो ईमेल शेयर करेगा तो अच्छी चीज है, ईमेल भी शेयर करें और उसका पासवर्ड भी वो शेयर करें, ताकि जब भी हमारा अकाउंट जो है, हम लोगों ने फाइबर का अकाउंट क्रिएट किया तो फाइबर के अकाउंट में हमारे पास क्या ऑप्शन आया, वेरीफाई योर अकाउंट। फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वेरीफाई योर अकाउंट, कोई भी दुनिया का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास वेरिफिकेशन की मेल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर आके एक टेम्प्रेरी मेल है ये ओपन करता हूँ, और इसके थ्रू मुझे एक मेल जो है वो मिल जाएगी, और जिसके थ्रू मैं अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। और ये मेरी अपने नंबर के ऊपर मेल नहीं होगी, लेकिन टेम्प्रेरी मेल होगी जिसके थ्रू मैं अकाउंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये एक मेल मुझे मिल गई और एक टेम्प्रेरी मेल है। आप लोगों को पहले इसके बारे में मैंने बताया कि नहीं बताया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। समटाइम चीज़ें हमारे माइंड में भी ऐसी होती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत से बैचेस को पढ़ा चुके होते हैं, तो एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं होता कि कभी आपके साथ इस चीज़ के बारे में बात हुई कि नहीं। हमारे पास आ गया टेम्प्रेरी मेल, ये वेबसाइट है, हम लोग टेम्प्रेरी मेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक ये है हमारे पास, एक अच्छी वेबसाइट है ये, जो कि आपको टेम्प्रेरी मेल प्रोवाइड करती है और फौरन से आप लोगों के पास ईमेल्स जो हैं वो आ जाती हैं वेरीफाई होने के लिए। ठीक है, और उसके बाद टेम्प्रेरी मेल अगर आप लोग गूगल में सर्च करें तो आप लोगों के पास बहुत सी और भी साइट्स आती हैं, जो कि आप लोग टेम्प मेलो है आप लोगों के पास। ठीक है, mail.tm है, tempmail.com है और tempmail.io है, और ये आप लोगों के पास टेम्प्रेरी मेल्स होती हैं जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो कि अकाउंट आपने 15 to 20 minutes 2 hour के लिए क्रिएट करना हो और उसके बाद आप लोगों को उसकी ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो आप लोग टेम्प्रेरी मेल के थ्रू भी उसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनकी प्रमोशन मेल्स और डिफरेंट मेल्स इनकी आप लोगों को नहीं आती थी। ठीक है, चलिए बताएं। ठीक, तो टेम्प्रेरी मेल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो अबाउट मी में हम लोग क्या करेंगे, DA92 है। ठीक है, क्रिएट योर फ्री पेज, क्रिएट योर फ्री पेज। अब आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस बटन के थ्रू आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं आता हूँ गेट योर फ्री पेज के ऊपर, और यहाँ पर मेरे पास एक साइन अप आ गया। साइन अप, अब मैं एक बैकलिंक क्रिएट करने जा रहा हूँ DA92 का। ठीक है, प्रोफाइल क्रिएशन वाला बैकलिंक। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर आके अपना ईमेल एड्रेस जो है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अब आपका क्लाइंट जो है वो आपको कोई भी साइट देगा, ठीक है, कि मुझे इस साइट के बैकलिंक्स क्रिएट करके दो। लाइक मैं हूँ, मेरी एक वेबसाइट है जिसको मैं ले जाता हूँ APK और मिनी मिल्टिया में मैं चले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है, चलें ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट करने हैं। अब दो चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें दो चीजें कौन सी होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है कि दो चीजें यहाँ पर कौन सी होती हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या होता है कि हम लोग ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्रांडिंग को तो समझ नहीं है ना आप लोग, ब्रांडिंग क्या होती है। ब्रांडिंग, ब्रांड से ही, ब्रांड लफ्ज से ही हमें पता चल रहा है कि बेसिकली ब्रांडिंग क्या होती है, कि हम लोग अपने ब्रांड के अकाउंट्स डिफरेंट सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर, हाई अथॉरिटी के ऊपर क्रिएट करेंगे और हम लोग उसे रैंक करेंगे ब्रांडिंग में। अब ब्रांडिंग में हम लोग अगर बात करें आउटफिटर की, हम लोग बात करें दराज की, हम लोग बात करें दुनिया के किसी भी कीवर्ड की, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक आउटफिटर लिखता हूँ। अब ये आउटफिटर जो है एक ब्रांड का नेम है, और आउटफिटर का ऑनर जो है वो चाहेगा कि मेरा आउटफिटर जो है कीवर्ड जे रैंक। ठीक है, आउटफिटर वाला क्या चाहेगा कि मेरा आउटफिटर कीवर्ड जो है वो रैंक हो। अब कोई और भी हो सकता है जो कि कहे कि मेरी वेबसाइट का जो नेम है वो रैंक हो। कोई और आपको ये भी कह सकता है कि मैंने अपना कोई कीवर्ड जो है वो रैंक करना। ठीक है, कीवर्ड रैंकिंग भी हो सकती है, ब्रांडिंग भी हो सकती है, ठीक है, और प्रोफाइल क्रिएशन सिंपल भी हो सकती है यहाँ पर। तो ब्रांडिंग हो रही होगी तो हम लोग उस ब्रांड के नेम को यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमने अपना कोई कीवर्ड रैंक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस कीवर्ड को फर्स्ट नेम और सेकंड नेम रखेंगे। सेम लाइक
यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि मैंने ओपन की, एपी के मॉड्यूल जो है यू टेक, ठीक है, यू टेक एक वेबसाइट है। तो मैं क्या करता हूँ, यू टेक को मैं अपना नेम रख सकता हूँ, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैं यू टेक को रख सकता हूँ। अगर कोई भी मुझे कहे कि नहीं मुझे यू टेक को तो नहीं चाहिए, मुझे एपी के, ठीक है, मुझे एक कीवर्ड जो है वो रैंक करना है, कौन सा कीवर्ड रैंक करना है वो कोई भी हो सकता है, एपी के 2020 कह सकते हैं, एपी के फाइल्स कह सकते हैं, कोई भी कीवर्ड जो कि आप लोग रखें मेरा यूजर नेम, ताकि कल को अगर आप लोगों को, अब मैं इस सिनेरियो को आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, ये अब क्लाइंट के साथ, ये हम लोग एक एडवांस लेवल की एसईओ कर रहे हैं, ठीक है, इसके आगे एसईओ नहीं है, जो चीजें इस वक्त मैं सिखा रहा हूँ ये एंड है एसईओ का, ठीक है। दुनिया में कहीं भी आप लोग चले जाएं, किसी के पास भी चले जाएं, कितने ही कॉस्टली कोर्स को आप लोग बाय कर लें, ये चीज एंड है, अगर आप लोग बाय करते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर ये एंड होगा एसईओ का, और ये एक एडवांस लेवल की बात हो रही है, तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो तो आपको, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब हम लोग पिंटरेस्ट में लिखते हैं बेबी फ्रॉक्स, ठीक है, देखिए अब मैंने गूगल में आया और मैंने लिखा बेबी फ्रॉक्स, ठीक है, मैंने बेबी फ्रॉक्स लिखा, तो जिनकी हाई अथॉरिटी अब पिंटरेस्ट है, ठीक है, जो उसका टाइटल है वो रैंक होगा, जो कीवर्ड है वो रैंक होगा, जो ब्रांड का नेम है वो रैंक होगा, किस बिहाफ के ऊपर, इस अथॉरिटी के बिहाफ के ऊपर, ठीक है, जो भी देखेगा आप लोगों ने, अब आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोगों ने कोई कीवर्ड रैंक करना है अपना, आप लोगों ने अपने डोमेन के नेम को अपना यहाँ पर प्रोफाइल बैकलिस्ट क्रिएट करना है, या आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बात आ रही होती है कि हम लोगों ने क्या चीज जो है वो यूज करनी है, कौन से कीवर्ड को यूज करना है, जो कि हम लोगों ने रैंक करवाना है, उसको हम लोग रखते हैं अपना फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को, जब हम लोगों ने अपनी डोमेन्स को बाय किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था ईएमडी बेसिकली क्या होती है, अगर आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए हो तो आप लोगों को पता होगा ईएमडी बेसिकली क्या होती है, ठीक है। ईएमडी बेसिकली क्या होती है, जो कि आप लोगों के पास माइक्रो निश होती है ईएमडी, ठीक है, ईएमडी होता है बेसिकली आप लोगों के पास एग्जैक्ट मैच डोमेन, ठीक है, एग्जैक्ट मैच डोमेन। अब एग्जैक्ट मैच डोमेन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोगों ने एक कीवर्ड फाइंड किया, हमारे लिए कीवर्ड कौन सा था, न्यू ईयर विशेस, ठीक है, हमारा कीवर्ड क्या बना, न्यू ईयर विशेस, और हम लोग न्यू ईयर विशेस की ही डोमेन बाय करते हैं, और हम लोग जब भी अपने प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो हम लोग न्यू ईयर उसका फर्स्ट नेम रखेंगे और विशेस उसका लास्ट नेम रखेंगे, ठीक है, इस चीज की समझ आ रही है आप लोगों को, कि जब आप लोग अपना कीवर्ड, मेन कीवर्ड की आप लोग डोमेन बाय कर लेते हैं, अपनी वेबसाइट एक बाय कर लेते हैं, डोमेन वेबसाइट तो वो बाद में आ जाती है चीज, तो न्यू ईयर विशेज आप लोगों के पास एग्जैक्ट माई डोमेन है, ठीक है, माइक्रो निश। अब आप लोगों ने एक डोमेन जो है वो फाइंड कर ली, आप लोगों ने मेहंदी के ऊपर वर्क करना है, तो आप लोगों ने एक डोमेन जो है वो फाइंड कर ली मेहंदी डिजाइन, ठीक है, तो मेहंदी डिजाइन आप लोग एक नेम जो है वो फाइंड करते हैं, और इस नेम की आप लोग डोमेन बाय कर लेते हैं, तो मेन कीवर्ड आपका कौन सा है, मेहंदी डिजाइन ही है, ठीक है, तो आप लोग जो बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे वो किसके क्रिएट करेंगे, उसका फर्स्ट नेम जो है वो मेहंदी होगा, लास्ट नेम जो है उसका डिजाइन होगा, और मेहंदी डिजाइन जो कीवर्ड है ये आपकी प्रोफाइल जैसे जैसे आप लोग क्रिएट करते जाएंगे सर्च इंजन में ये इंडेक्स होंगी और ये रैंक भी होगी, लोग इन्हें भी विजिट करेंगे, ठीक है, इनको विजिट करेंगे तो लिंक जूस पास होगा। बहुत सी चीजें हैं कि आप लोग लिंक्स तो क्रिएट कर देते हैं, ये और इससे भी एडवांस चीज आ जाती है कि जब आप लोग एक बैकलिंक क्रिएट कर देते हैं और डिफरेंट लोग उस पेज को ओपन करते हैं और वहां से उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है किसी भी चीज की, तो गूगल को भी पता चल रहा होता है कहाँ पर आपका बैकलिंक मिला है और कितनी आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो उस लिंक का जो जूस पास होता है उसकी अथॉरिटी ज्यादा होती है दुनिया में किसी भी और बैकलिंक से जो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। चीजें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कहीं भी आप लोगों को, ये आप लोग मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और मेरी कोशिश हो रही है कि आप लोगों को तमाम चीजों की समझ आती जाए, आप लोग अपने नोट्स क्रिएट करते जाएं और आप लोग एक एडवांस लेवल की एसईओ यहाँ से सीखें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं कि हमारा अगर एग्जैक्ट मैच डोमेन का हम लोगों ने डोमेन फाइंड की हुई है, माइक्रो निश है, लाइक आप लोग न्यू ईयर विशेष के ऊपर वर्क कर रहे हो, बेबी फ्रॉक्स आप लोगों का कीवर्ड है, मेहंदी डिजाइन है, हेनर डिजाइन है आप लोगों के पास, उसके साथ साथ आप लोग
कोई भी कीवर्ड फाइंड करते हैं माइक्रो निश में, तो वो हमारा नेम होगा। और कल को हमारा अबाउट डॉट मी जो है ये भी सर्च इंजन में जब भी कोई लिखेगा ना यहाँ पर मेमरी डिजाइन, तो हमारा अबाउट डॉट मी जो है ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर के ऊपर रैंक होगा अपनी अथॉरिटी के बिहाफ के ऊपर। ठीक है, ये वाली हमारी प्रोफाइल। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक मैदरी डिजाइन जो है वो कीवर्ड एक चूज करता हूँ कि भाई हम मैंने चूज किया अपने लिए एक वेबसाइट मैदरी डिजाइन, उसका मैं बैकलिंक क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जब आप लोग एपीके के ऊपर जाते हैं या किसी भी कीवर्ड के ऊपर जाते हैं, अब मेहंदी डिजाइन के साथ साथ आप लोग चाहते हैं कि भाई मेहंदी के साथ साथ मैं और भी कीवर्ड्स को रैंक करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग जिस कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेके आप लोग उसके प्रोफाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें जब भी आप लोग डोमेन बाय करें तो आपका कीवर्ड जो है वो आपकी डोमेन में लाजमी हो, ये रैंकिंग में आप लोगों की हेल्प करता है। EMT मिल जाए तो बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि अभी भी EMT जो है वो वर्क नहीं कर रही, एग्जैक्ट माई डोमेन जो है वो वर्क नहीं कर रही। बहुत से लोग हैं जो इस वक्त कहते हैं लेकिन वो खुद EMT के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, EMT हमेशा आप लोगों को फायदा देगा। लाइक आप लोगों की मैदरी डिजाइन है न्यू ईयर विशेज डॉट कॉम आपकी डोमेन होनी चाहिए। ठीक है, न्यू ईयर विशेज के ऊपर आपने काम करना है, न्यू ईयर विश आप लोगों का कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, विशेष की डोमेन नहीं मिल रही तो न्यू ईयर विश होना चाहिए आपकी। उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर आप लोग कर सकते हो, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, NY, ठीक है, NY विशेष आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके डोमेन में आपका कीवर्ड लाजमी होना चाहिए, ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है जब भी आप लोगों ने अपने लिए डोमेन चूज करनी है, अपने क्लाइंट के लिए डोमेन चूज करनी है। अच्छा, अगेन मैं आप लोगों को समझा दूं, कहाँ से समझा दूं स्टार्ट से तो मुझे पता चले, तो फिर खैर, तो हम जब भी जिस कीवर्ड को हम लोगों ने रैंक करना होता है ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जब भी अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करें तो हम लोग उसको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखें। तो ये बेसिकली इसको ब्रांडिंग भी कहते हैं, प्रोफाइल बैकलिंक के साथ साथ हम लोग इसे क्या कहते हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स एंड ब्रांडिंग। ठीक है, प्रोफाइल बैकलिंक्स प्लस ब्रांडिंग। कुछ लोग इसके लिए वर्ड चूज कर सकते हैं प्रोफाइल बैकलिंक, और कुछ कह सकते हैं कि मुझे ब्रांड प्रोफाइल चाहिए। ठीक है, ब्रांड प्रोफाइल चाहिए। अब ब्रांड प्रोफाइल बेसिकली कौन से होते हैं, जिनकी हाई अथॉरिटी होती है, जिनकी 70-80 से प्लस अथॉरिटी की जो आप लोगों के पास वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप लोग जाके अपने लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोफाइल बैकलिंक्स, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कीवर्ड जो है वो मेहंदी डिजाइन है, एच न्यू ईयर विशेस है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी डोमेन जो भी मैं वेबसाइट, कल को मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने अपने लिए कीवर्ड बाय करना है और अनिजे सरकार ने ऑर्डर कंप्लीट किया है, तो उसमें हमारे पास नेम चीट के थ्रू आप लोग फाइंड करते हैं कि आप लोगों के पास कौन कौन सी वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, नेम चीट, चलिए नेम चीट में आए तो हम लोगों ने जब भी यहाँ पर आके अपने डोमेन को बाय करना है। ठीक है, तो अब मैंने चाहता हूँ कि मैंने एक इवेंट कवर करना है, मैंने हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर वर्क करना है, तो मैं चाहता हूँ कि न्यू ईयर जो है वो लाजमी, वो तो मेन कीवर्ड होगा मेरा, और न्यू ईयर मेरा लाजमी मेरी डोमेन में आए, मेरा नेम जो डोमेन का मैं फाइंड कर रहा हूँ उसमें न्यू ईयर लाजमी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर डॉट कॉम मैं ये लिख के सर्च करता हूँ। अब ये डोमेन, हम लोग दुनिया में अकेले ब्लॉगर तो नहीं है, हम लोग अकेले तो नहीं है जो इवेंट ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, या कोई किसी और ने हैप्पी न्यू ईयर की डोमेन कभी बाय नहीं की। डोमेन नेम तो एक ही होता है ना, एक बंदे के पास ही होगा जो भी उसे बाय कर लेगा पहले। अब ये ऑलरेडी किसी ने बाय किया हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मेक ऑफर और ये ऑलरेडी किसी ने बाय किया हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हैप्पी एनवाई डॉट कॉम लिखता हूँ, तो ये एक प्रीमियम डोमेन है, किसी ने बाय की हुई है और ये सेल के ऊपर भी होगी, तो यहाँ पर एक और डोमेन जो हैप्पी न्यू ईयर विशेस जो है वो फाइंड कर लेता हूँ, और यहाँ पर 7.98 की मैं ये बाय करता हूँ। अब क्या हुआ, NY किसके लिए यूज होता है, न्यू ईयर के लिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी EMT पार्शली मैच डोमेन हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारी EMT हमें नहीं मिली लेकिन हमें पार्शली मैच डोमेन मिल गई जो कि उससे मिलती जुलती है। ठीक है,
यहाँ से हम लोग आ जाते हैं इक्सेक्टमेट डोमेन एंड पार्शियली मैच डोमेन। ये मैं आप लोगों को पहले भी चीज़ें बता चुका हूँ क्लास में, अगर आप लोगों ने तवज्जो से सुनी हो तो आप लोगों को इन तमाम चीज़ों को ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद आ जाएंगे, ठीक है। और जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों के लेक्चर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, फर्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर के साथ भी कनेक्ट है, तो यही चीज़ है। अच्छा, तो ई एम डी डोमेन आ गई आप लोगों के पास, और पी एम डी, इसे हम लोग कहते हैं पी एम डी, ठीक है। ये होती है आप लोगों के पास पार्शियली मैच डोमेन। तो पार्शियली मैच डोमेन और एग्जैक्ट मैच डोमेन दोनों होती हैं। अगर आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर या न्यू ईयर विशेष की आप लोगों को डोमेन मिल जाती तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा था, लेकिन वो नहीं मिली तो हम लोगों ने उसके पार्शियली मैच डोमेन जो है वो फाइंड कर ली, जो जिसमें हम लोगों ने nyvishes.com जो है वो हम लोगों ने फाइंड कर ली, ठीक है। तो पार्शियली मैच उससे मिलती जुलती है हमारे कीवर्ड से, कीवर्ड हमारे पास आ गया लेकिन हमें थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करनी पड़ी, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने इसे रैंक भी करना है। कल को आप लोगों के पिंटरेस्ट है उसकी डोमेन अथॉरिटी मैंने आपको यहाँ पर बताया, मैंद्री डिजाइन, ठीक है। अब मैंद्री डिजाइन में पहले नंबर के ऊपर क्या है, पिंटरेस्ट है, ठीक है। पिंटरेस्ट क्यों है पहले नंबर के ऊपर भाई, ब्लॉग क्यों नहीं है, लोगों ने क्या आर्टिकल नहीं लिखे, क्या लोगों ने एसईओ नहीं की, क्यों भाई पिंटरेस्ट क्यों है फर्स्ट नंबर के ऊपर, ये एक सोचने वाली बात है, ठीक है। पिंटरेस्ट है फर्स्ट नंबर के ऊपर तो क्यों है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी है, ठीक है। कल को हम लोग पिंटरेस्ट के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं और इमेजेस शेयर करते हैं मेहंदी की, उसके उसमें कंटेंट शेयर करते हैं, तो पॉसिबल है कि हमारा लिंक भी यहाँ पर रैंक हो पिंटरेस्ट का, ठीक है। जब हमारा लिंक रैंक होगा तो लोग उस प्रोफाइल को रैंक करते हैं हम लोग, तो लोग उसको विजिट करेंगे और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाएंगे, तो लिंक चूज जो पास होगा वो डेफिनेटली उसकी वर्थ और होगी, कि एक आप लोगों ने लिंक क्रिएट कर लिया और वो एक डेड लिंक की सूरत में कभी भी उसको किसी ने विजिट नहीं किया, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। किसी ने विजिट नहीं किया वो अथॉरिटी वो शेयर नहीं कर सकता, जो कि आपका लिंक यहाँ पर शेयर हो गया आपको अथॉरिटी जो है वो शेयर कर देगा, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब है, यूट्यूब के बाद हम लोग आते हैं तो फर्स्ट पेज हमारे पास एंड हो जाता है, और सेकंड पेज में हमारे पास फिर से फेसबुक है, और फिर डेली इन्फोटेनमेंट डॉट कॉम है, ठीक है। डेली इन्फोटेनमेंट उसने लिखा हुआ है, इंटरटेनमेंट ने लिखा हुआ है, डेली इंटरटेनमेंट ने लिखा हुआ है, इन्फोटेनमेंट उसने यूज कर लिया अपना कीवर्ड, उसकी मर्जी है। हिंदुस्तान टाइम आ जाता है, और उसके बाद शादी की दुकान, शादी दुकान, ठीक है, ये आ जाती है आप लोगों के पास वेबसाइट। फिर एनमोल आइडियाज आ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर कि जो कीवर्ड हम लोग लिखेंगे वो रैंक भी होगा, 92 का बैकलिंक ले रहे हैं तो रैंक भी होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने एक ब्लॉग जो है ई एम डी मैंने बाय कर ली, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी है। अगर मैं ई एम डी बाय नहीं कर सकता, मैंने मैक्रोनिश फाइंड कर ली जिसमें बहुत से कीवर्ड्स मैंने रैंक करने हैं, तो फिर भी मुझे कोशिश करनी चाहिए मैं अपने डोमेन नेम को यहाँ पर चूज करूँ, डोमेन नेम जो है उसका मैं बैकलिंक जो है वो क्रिएट करूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चलिए बेबी फ्रॉक्स कर लेते हैं, फर्स्ट नेम बेबी है, सेकंड नेम है फ्रॉक्स लिख लेते हैं, ठीक है। बजाय इसके यहाँ पर मैं अवेयरनेस कर लिखूँ मैंने किसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने कीवर्ड को रैंक करने के लिए कर रहा हूँ, तो नेम भी मैं उसी का रखूंगा, ठीक है, समझ आई। क्योंकि मैंने जिसको रैंक करना है मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी उसी का रखना है। बेबी फ्रॉक्स, इसको मैं करता हूं नेक्स्ट। लोकेशन, अब लोकेशन हमें कौन सी चूज करनी है, हमें पाकिस्तान चूज नहीं करनी, जिस कंट्री में हमने अपने कीवर्ड को रैंक करना है हम लोगों ने वो लोकेशन चूज करनी है। जब भी बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो, प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, तो आप लोगों ने जहां पर अपने कीवर्ड को रैंक करना हो तो उसी को आप लोगों ने फाइंड करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंडिया लिखता हूँ, लोकेशन में इंडिया कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ इंडिया लिखने के बाद, ठीक है। इसमें अब मेरी कैटेगरीज आ गई, कैटेगरीज में मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी 3 से 4 कैटेगरीज जो है वो चूज कर सकता हूँ, अपनी मर्जी है मेरी, ठीक है। यहाँ पर मैं फैशन लिख सकता हूँ, फैशन है, इंटरटेनमेंट है, ठीक है, न्यूज है, बेबी फ्रॉक्स हैं, ठीक है, और ड्रेसेस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जितने भी चाहूँ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसने मुझे बता दिया कि 5 आप लोग चूज कर सकते थे, वो मैंने चूज कर लिए, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट डू यू डू,
ठीक है, आप कौन है भाई, अपने बारे में बताएं। हम लोग क्या हैं, हम लोग सोशल मीडिया मैनेजर हैं, ठीक है, हम लोग राइटर हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग कोई भी, यहाँ से हम लोग दो से तीन कैटेगरीज को अपने चूज कर लेंगे, जिस तरह का भी हमारा बिजनेस है, जो भी हमारी चीज़ें, कंसल्टेंट हम लोग कह सकते हैं, हम लोग आर्टिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक पेज आ गया। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कौन सा बैकलिंक आप लोगों ने किस तरह से क्रिएट करना है। मैं आप लोगों को क्लास में 5 to 6 बैकलिंक्स क्रिएट करना सिखा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने आई 300 बैकलिंक्स क्रिएट करूँ, आप लोग देखें ये किस तरह से क्रिएट होंगे और फिर आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें। मैं आपको 5, 6, 7, 8, 10 बैकलिंक्स क्रिएट करके दे सकता हूँ प्रोफाइल बैकलिंक्स के। उसके बाद आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट बैकलिंक्स को क्रिएट करने की, और आप लोगों को आज की बैकलिंक क्रिएट करने के बाद आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने बैकलिंक्स क्रिएट करने, ठीक है। तो यहाँ पर है विजिट माई स्टोर, एक पेज आपके पास विजिट माई स्टोर है, और रीड माई ब्लॉग, तो आप लोग दोनों को चूज कर सकते हैं। रीड माई ब्लॉग के ऊपर हम लोग आते हैं, तो वो कहता है कि अपने ब्लॉग का नेम शेयर करें। अब मैं एक सिंपल कोई भी, ठीक है, कोई भी मैं अपना एक ब्लॉग जो है वो चूज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई शादी दुकान जो है वो मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है, तो इसका मैं नेम यहाँ पर ऐड कर दूंगा। जब हमारा अपना ब्लॉग होगा, जब हमारे क्लाइंट का ब्लॉग होगा, तो हम लोग उसका लिंक यहाँ पर ऐड करेंगे। इस वक्त हम लोग अपने इस कोर्स में पूरे के पूरे में हम लोग शादी दुकान जो है इसकी रैंकिंग करेंगे, ठीक है, समझ लगी। शादी दुकान की और हम लोग लिंक्स क्रिएट करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जब हमारा अपना ब्लॉग होगा तो हम लोग उसके भी लिंक्स क्रिएट करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। HTTPS शादी दुकान नेक्स्ट, ठीक है। तो ऐड अ प्रोफाइल फोटो, यहाँ पर आप लोगों ने पिक्चर लगानी है, ठीक है, कोई भी हो। शादी दुकान की मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसका लोगो जो है मैं उसकी डाउनलोड कर लेता हूँ। ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव इमेजेस, अभी एक्सो फाइबर इमेजेस में ये जा रही है। तो अबाउट डॉट मी के ऊपर आ गया, और मैं यहाँ पर आके अपने जो भी मेरी वेबसाइट का, यहाँ पर है जी शादी दुकान, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। अगर इसके पिक्सल यहाँ पर सेट होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो हम लोग कोई और भी चूज कर देंगे, ठीक है। चलें, शादी दुकान जो है यहाँ पर यूज हो चुका है, ठीक है, लुक्स गुड, ठीक है। अब उसने पूछा है कि हमसे आपको कौन सा डिजाइन चाहिए, तो हमें ये डिजाइन चाहिए, ठीक है, और इसके बाद मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब कौन सा कलर होगा, कलर पर्पल कर ले, कोई भी अपनी मर्जी है आप लोगों की। कंटिन्यू विद द फ्री पेज, ठीक है। बेबी फ्रॉक्स आप लोगों का यूजर नेम, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये वर्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आपका ये लिंक जिस दिन इंडेक्स होगा गूगल में, गूगल आपके इस पेज को क्रॉल करेगा और आपको इंडेक्स करेगा, तो वो आपको DA90 के बिहाफ के ऊपर आप लोगों को रैंकिंग देगा। तो जब कोई भी आदमी इसको विजिट करेगा, तो आप लोगों के पास जिस तरह से ये शो होगा बेबी फ्रॉक के बाद विजिट माई वेबसाइट का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर आपका अपना मेन कीवर्ड होता है तो उसी के थ्रू लिंक चूज पास होता है, और गूगल जो है जो ऑडियंस है वो इसके ऊपर क्लिक करती है और उस पेज के ऊपर मूव करते हैं, तो गूगल आपको अच्छा रैंक जो है वो देगा। बेबी फ्रॉक्स हमारा कीवर्ड आ गया उसके यूज स्लग में, ठीक है, स्लग इसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पासवर्ड ऐड कर देते हैं, ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर वो मुझसे कैप्चा मांग रहा है, और मैं इसको चाहूँ तो मैं इसे सेव कर सकता हूँ बेबी फ्रॉक्स, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसे ना सेव करूँ, वो मेरी मर्जी है कि मैंने इसको सेव करना है अपने पास के नहीं। बिफोर
ये उसका कैप्चा है जो कि हम लोग फिल कर रहे हैं। मैच का ये कैप्चा फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ठीक है। इसका कैप्चा हम लोगों ने फिल किया है और शो माई पेज, अब ये मेरे पास आ रहा है कि शो माई पेज, मुझे मेरा पेज शो करवाओ भाई जो हम लोगों ने क्रिएट कर लिए, ठीक है। फाइनलाइज हुआ हमारा पेज और ये हमारे पास बेबी फ्रॉक्स जो हैं वो शेयर हो जाएगा अभी, ठीक है। अब ये हमारे पास एक जो है बेबी फ्रॉक्स का एक पेज, हमारे पास एक लिंक जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं बेबी फ्रॉक्स को यहाँ से आके मैं अपने पास सेव कर लूंगा इस लिंक को, और यहाँ पर है रीड माई ब्लॉग। जब मैं रीड माई ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कहाँ पर हम लोग मूव कर गए, शादी दुकान के ऊपर हम लोग मूव कर गए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये चीजें आ रही हैं। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, हम लोग इसे एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। गेट स्टार्टेड रीड माई ब्लॉग में फीचर्स में हम लोग आए, यहाँ पर हम लोग 2 से 3 लाइन का अपना कंटेंट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 लाइन का हम लोग अपना कंटेंट ऐड करेंगे, एड योर ईमेल सिग्नेचर, ठीक है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस, एडिट योर बायो, अपनी बायो लिखें, हाय आई एम बेबी, आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर लिविंग इन इंडिया, आई एम अ फैन ऑफ फैशन। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, शादी दुकान की जो के डिस्क्रिप्शन है, हमारे क्लाइंट की साइट की जो डिस्क्रिप्शन है, हम लोग उसे कहेंगे कि भाई डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें शेयर करें। अगर वो डिस्क्रिप्शन शेयर कर देगा तो ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन शेयर नहीं करेगा तो हम इस तरह से उसकी वेबसाइट की जो डिस्क्रिप्शन है उसे कॉपी कर लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे अपने पास यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। शादी दुकान डॉट कॉम इज एन इंडियन टॉप वेडिंग प्लानिंग वेबसाइट, फाइंड टॉप वेंडर्स फॉर मेकअप फोटोग्राफी डेकोरेशन मेहंदी, कंपेयर प्राइस, सी रिव्यूज, तो यहाँ पर आके हम लोग एंटर, ठीक है। अब गूगल में ये पूरे का पूरा पेज अब इंडेक्स होगा, एक तो बेबी फ्रॉक्स के नाम से होगा, ठीक है। उसके बाद शादी दुकान और ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास सेव होंगी। मैं इसे सेव कर देता हूँ और कहीं पर भी बेबी फ्रॉक्स जो मैंने आप लोगों को कहा कि अपने लिंक्स जो हैं वो सेव किया करें, तो यहाँ पर आके हम लोग गेस्ट ब्राउजर में जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आपका कोई लिंक ओपन ना हो या वो आपसे डिमांड करे कि आप अपने ईमेल को वेरीफाई करें, तो यहाँ से आप लोगों ने क्रिएट किया और यहाँ से आके आप लोग अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, ठीक है, जिस टेम्पररी मेल के थ्रू आप लोगों ने क्रिएट किया, ठीक है। यस दिस इज मी, और मैं इसे क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाए, ठीक है। बेबी फ्रॉक जो है वो वेरीफाई हो गया। कन्फर्म ईमेल एड्रेस मैं लिख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हम लोग चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास एक बैक लिंक जो है वो क्रिएट हो गया 92 BA का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को? अब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हमारे पास हम लोगों ने लिस्ट किस तरह से क्रिएट करनी है अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट क्रिएट करना भी आप लोगों को सिखाता हूँ और 1 से 2 बैकलिंक जो है वो भी और भी आप लोगों के सामने क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, हम लोग एक्सेल की शीट भी शेयर कर सकते हैं। एक्सेल की शीट में हम लोग क्रिएट करेंगे जब भी उसे रिपोर्ट शेयर करेंगे, अगर वो कहे कि ऑनलाइन शीट जो है वो यूज करें तो आप लोग ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, शादी नेम रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अब क्या कर रहे हैं, मुझे एक लिस्ट जो है वो अपनी ओपन करने दें ताकि उसमें से बजाय हम अपना टाइम सेव करते हुए ही हम लोग इसे यूज़ कर लें, ठीक है। 1 सेकंड के लिए मेरी स्क्रीन जो है वो स्टॉप हो रही है, उसके बाद अगेन मैं आप लोगों को लिस्ट क्रिएट करना जो है वो बताता हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नंबर के ऊपर हम लोगों ने क्या लिखना है, और क्लाइंट को हम लोगों ने जब भी लिस्ट शेयर करनी है वो हम लोगों ने किस तरह करनी है। अब लिस्ट शेयर करनी इंपॉर्टेंट होती है ये हमारी, एक तो हम लोग सिंपल उसे कहेंगे ये ले भाई लिंक हम लोगों ने आपके क्रिएट कर दिए, इंजॉय करें, ठीक है। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम लोग क्लाइंट को कहें कि ये लें आप अपनी लिस्ट जो है इसे चेक कर लें, अगर इसमें कोई भी इश्यूज हैं एरर्स हैं तो वो हम लोग इसे सेट करके मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। उसकी बेसिकली रीजन क्या होती है कि हम लोग उसे क्यों क्रिएट करके दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसे प्रोफेशनल लगे, हमारा एक्सपीरियंस है, हमें लिस्ट क्रिएट करनी आती है और हमें तमाम चीजों का आइडिया है, ठीक है। क्लाइंट आपकी बातों से किसी हद तक मुतमईन हो सकता है, लेकिन उसके बाद उसे अपने काम से भी गर्ज होगी कि आप लोग किस तरह से उसे काम करके दे रहे हैं, क्या आप उसे प्रॉपर लिस्ट क्रिएट करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है।
तो इसलिए लिस्ट जनरेट करना, लिस्ट क्रिएट करना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों के सामने अभी एक लिस्ट जो है वो क्रिएट करके देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे पास लिस्ट है उन्हीं में से मैं किसी एक को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ की आप लोगों को इस वक्त समझ नहीं आई तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें ताकि मैं आप लोगों को गाइड करूं। नहीं, मैं अगेन आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन आपके साथ अगेन शेयर है और हम लोग वापस आ गए अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक था। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल्स हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आवर वेबसाइट यूआरएल, उसके बाद हम लोग लिखेंगे आवर सबमिटेड पेज, डोमेन अथॉरिटी, स्टेटस और इंडेक्सिंग। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को क्रिएट बताता हूँ कि बेसिकली हम लोगों ने क्या किया। यूआरएल, यूआरएल बेसिकली कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर यूआरएल कौन सा आता है, अबाउट डॉट मी। ठीक है, हम लोगों ने अबाउट डॉट मी जो है यहाँ पर ऐड कर दिया। आवर वेबसाइट यूआरएल, हमारा वेबसाइट का यूआरएल कौन सा था, होम पेज का हम लोगों ने लिंक क्रिएट किया। ये बैकलिंक में हमेशा आप लोगों के लिए काम आएगी, ना कि ये आप लोगों के लिए वर्क करेगी जस्ट प्रोफाइल क्रिएशन में, नहीं। फॉरम्स में भी यही लिस्ट आप लोग क्रिएट करेंगे, आप लोग फॉरम्स के बाद आप लोग क्रिएट करेंगे अपने पास कोई भी दुनिया का बैकलिंक क्रिएट करते हैं तो आप इस लिस्ट के थ्रू उसे शेयर करेंगे और उसे पता चलेगा कि आप लोग प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं और आपको लिस्ट क्रिएट करना भी आती है और उसके क्वेश्चन जितने भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इस शीट के थ्रू। उसका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आप लोग उसे शेयर नहीं कर सकते। कभी कभी अब आवर वेबसाइट यूआरएल और इन तमाम चीज़ों को मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बेसिकली आवर वेबसाइट यूआरएल, सबमिटेड वेब पेज ये कौन सा है और ये हम लोग क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बेसिकली ये चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी इसकी कितनी है, इसकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो है जी, स्टॉप, अगेन इसे चेक करते हैं। मैंने क्रॉस कर दिया था क्योंकि हमारे पेज का बहुत ज़्यादा स्पेस यही ले रहा था हमारे पास मोज ही। तो अभी हम लोग इसका डीए जो है वो चेक करते हैं, और क्लाइंट को जब वो हाई अथॉरिटी की बात कर रहा है तो हम लोगों ने उससे सेटिस्फाई कैसे करना है, बजाय इसके कि हम उसे बहुत कुछ कहें, बहुत कुछ कहने के बजाय हम लोग उसे एक लिस्ट शेयर कर देंगे जिससे वो खुद ही सब चीज़ों को समझ जाएगा। 92, ठीक है, इसका डीए कितना है, 92, और स्टेटस इसका क्या है, ये लाइव है। और इंडेक्सिंग को आप लोगों ने प्रोफाइल बैकलिंक्स में आप लोगों ने इंडेक्सिंग जो है ये वाला कॉलम इसका रिमूव कर देना, ठीक है, डिलीट कॉलम आप लोग कर दें। ठीक है, प्रोफाइल बैकलिंक्स में आप लोगों ने इसे डिलीट करना है, उसके अलावा आप लोगों ने जब जरूरत होगी तो मैं आप लोगों के सामने इस कॉलम को भी ऐड करके दूंगा। अब यूआरएल बेसिकली क्लाइंट हमसे पूछता है कि कौन से यूआरएल के ऊपर आप लोगों ने मेरा जो है वो लिंक क्रिएट की है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसके साइज को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, 14:2 हम लोग कर देते हैं, 14, ठीक है, चलो। उसके बाद हम लोग इसका कलर भी अपनी मर्जी का रख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अपनी मर्जी का कलर भी रख लिया इस शीट का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूआरएल, यूआरएल बेसिकली कौन से, अबाउट डॉट मी, किस वेबसाइट के ऊपर आपने लिंक क्रिएट किया, हमने अबाउट डॉट मी के ऊपर किया है। हमारी वेबसाइट का यूआरएल कौन सा है, शादी दुकान डॉट कॉम हमारी वेबसाइट का यूआरएल है जिसका हम लोगों ने लिंक क्रिएट किया। और जब आप लोग बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब आप लोगों को क्लाइंट कहता है कि मुझे 100 बैकलिस्ट क्रिएट करके दें तो आप उससे दो चीज़ों का क्वेश्चन भी करते हैं, यूआरएल एंड कीवर्ड। ठीक है, किस यूआरएल के बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं और कौन सा आपका कीवर्ड जो है उसके बैकलिंक्स हम लोगों ने क्रिएट करने हैं, ये कल को हम लोग देखेंगे। कल को आप में से कोई भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन करेगा तो मैं आप बल्कि आज ही आप लोगों को बता देता हूँ, कल को शायद स्किप हो जाए या कोई भी ऐसी चीज़ जो याद ना रहे, तो आप लोगों तक ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए।
अब क्लाइंट जो है वो कभी भी आपको ये नहीं कहता कि मेरी तमाम के तमाम जो आर्टिकल्स हैं मेरे ये वाले रैंक करते हैं। मैंने आपको कहा आप लोगों ने 10 to 15 आर्टिकल्स कीवर्ड्स वो फाइंड करने हैं जिनकी जिनका वॉल्यूम जो है 20,000 प्लस हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्लास में ये बात समझाई थी कि कीवर्ड सर्फर के थ्रू जब भी आप लोगों ने कीवर्ड्स फाइंड करने 20,000 प्लस वाले आप लोगों ने 10 to 12 कीवर्ड्स को फाइंड करने, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग जस्ट ये नहीं कहना चाहते कि शादी दुकान को अथॉरिटी मिलती जाए और ये रैंक हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि अरेबिक मेहंदी डिजाइन हम लोगों ने इसे रैंक करना है तो हमें इसके इस पेज के जिस पेज के ऊपर हम लोगों ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, उसके भी हमें बैकलिंक्स जो है वो चाहिए। अब ये देखें अरेबिक मेहंदी डिजाइन आ गया, ठीक है, हम लोगों ने इस पेज के भी बैकलिंक्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल अरेबिक मेहंदी डिजाइन जो है इसके भी बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे ताकि हमारी ये वाली वेबसाइट ये वाला जो पेज है ये हमारा रैंक हो, ठीक है। डोमेन को तो अथॉरिटी मिल गई, अब हम लोग चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक पेज को भी हम लोगों ने अथॉरिटी देनी है। अब इसका अरेबिक मेहंदी डिजाइन का वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है, अरेबिक मेहंदी डिजाइन का हम लोग वॉल्यूम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। ये इस वक्त हम लोग यूएस में हैं तो हम लोग इसे चलते हैं सऊदी अरब में जा सकते हैं या फिर हम लोग इंडिया में आ सकते हैं कि ये इंडिया का कीवर्ड है तो इसके इंडिया में कितनी सर्चेज हैं, 4,50,000। अब हम लोगों ने 4,50,000 को तो कवर कवर करें भाई, मेहंदी डिजाइन को कवर कर लेंगे, ठीक है, उसको अथॉरिटी मिल रही है। ऐसा ऐसा मेहंदी डिजाइन जो है उसकी डिफिकल्टी ज्यादा है, उसे हम लोग रैंक कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। क्यों ना हम लोग पहले अरेबिक मेहंदी डिजाइन को रैंक कर लें, ठीक है। तो हम लोग अरेबिक मेहंदी डिजाइन के कुछ बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, कुछ मेहंदी डिजाइन के करेंगे। तो इसको मैं सिंपल वर्ड्स में ये कहूंगा कि हम लोग अपने डिफरेंट पेजेस के बैकलिंक्स क्रिएट करते जाएंगे, डिफरेंट कैटेगरीज के बैकलिंक्स क्रिएट करते जाएंगे ताकि गूगल को तमाम चीजें जो हैं वो मैनुअल लगे, उसके कुछ भी स्पैमिंग ना लगे। और हम लोग व्हाइट हैट एसईओ जो कर रहे हैं वो इसी का नाम है कि जस्ट एक ही पेज के बैकलिंक मत क्रिएट करें, डिफरेंट पेजेस के डिफरेंट कैटेगरीज के आप लोग अपने बैकलिंक्स जो हैं वो आप लोग क्रिएट करते जाए, ठीक है। यहां तक समझ आई? तो अगर यहां तक आप लोगों को समझ आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट लिंक जो है वो भी क्रिएट करके दिखाऊं कि नेक्स्ट लिंक हम लोग किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेकेंड लिंक हम लोग क्रिएट करने जाते हैं एसपी नेशन का, ठीक है। एस्पिनेशन का हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे साथ हम लोग किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मेरे पास साइन अप और लॉग इन का बटन है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। साइन अप के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया और ईमेल। यूजर नेम हम लोगों ने कौन सा रखना है, हम लोगों ने अपना यूजर नेम जो है वो लास्ट टाइम हम लोगों ने बेबी फ्रॉक्स पहले रख लिया था, लेकिन हमारी जो वेबसाइट है वो शादी दुकान है तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग शादी दुकान को ही रैंक करें, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट का नेम है हम लोग उसे करें, जो हमारा कीवर्ड है हम लोग उसी के बैकलिंक्स हैं वो क्रिएट करें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेम रखता हूँ शादी दुकान, ठीक है, पासवर्ड रखता हूँ यहाँ पर, ईमेल जो है यहाँ से मैं आके अगेन टेम्पररी मेल जो है वो मैं ओपन ही रखूंगा, ठीक है, टेम्पररी मेल को मैं ओपन रखूंगा अपने पास ताकि अगेन एंड अगेन मुझे ओपन ना करनी पड़े। और ये आप लोगों के पास एक ही मेल अगेन एक ब्राउजर में एक ही मेल शेयर करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आके इसको मैं क्लोज किया और यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस अपना ऐड किया और साइन अप, ठीक है। आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा मैंने फिल करना है और मैंने यहाँ पर आके साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना सेकंड लिंक जो है वो मैं क्रिएट कर लिया मैंने, ठीक है, ये मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, एडिट प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। एडिट प्रोफाइल के ऊपर इमेज मैंने अगर ऐड करनी है तो मैं इमेज ऐड करूँ और यहाँ पर मेरे पास जो शादी दुकान है उसकी डिस्क्रिप्शन जो मेरे पास है, ठीक है, ये क्लाइंट भी आपको प्रोवाइड करता है। अगर क्लाइंट आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड ना करें तो आप लोगों के पास सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए कि आप लोग उसकी ठीक है उसकी यहाँ पर आके आप लोग डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी कर सके, ठीक है। मैं एसबी नेशन में आके मैंने इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसे अपने पास सेव की है। सिग्नेचर मेरा कोई भी नहीं, वेबसाइट नेम क्या है मेरा, शादी दुकान, ठीक है, और वेबसाइट यूआरएल मेरा कौन सा है,
ये मेरा वेबसाइट का यूआरएल है, मैंने इसे यहाँ पर ऐड किया है और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसे अपडेट कर दिया। ठीक है, प्रोफाइल अपडेटेड, ठीक है, शादी दुकान, पब्लिक प्रोफाइल, पब्लिक मेरी प्रोफाइल को किस तरह से देखेगी, अभी तक उसने शो नहीं की, तो मैं यहाँ पर आके एस्पिनेशन को अप्रूव करता हूँ अपनी मेल को और देखते हैं कि यहाँ पर कंफर्मेशन का ये लिंक है, मैं इसे अपने पास ओपन करता हूँ। ठीक है, योर अकाउंट हैज़ बीन कंफर्म्ड एंड योर अकाउंट इज़ नाउ फुली एक्टिव, और यहाँ पर आके मैं इसे क्या करता हूँ, अगेन रिफ्रेश करता हूँ, तो ये शादी दुकान जो है, ये लोग किस तरह मेरी प्रोफाइल को देखेंगे ये शो होगी। शादी दुकान, शादी दुकान जो है ये मेरा लिंक लगा हुआ है यहाँ पर, मैं इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक लिस्ट है और उसके बाद मैं यहाँ पर आया शादी दुकान और इसी को मैंने, इसी का लिंक क्रिएट किया और ये आ गई मेरे पास अबाउट डॉट मी के बाद मेरे पास कौन सा था, एसबी नेशन का मैंने एक लिंक क्रिएट किया, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसका डीए कितना है, इसका डीए जी है जी, यहाँ से हम लोग देखें तो 90, तो इसका डीए जो हमारे पास हो गया 90। और लिंक स्टेटस इसका क्या है कि लिंक आपका शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये लाइव है। अब लाइव शो हो रहा है, लिंक आपका नहीं हो रहा पब्लिक प्रोफाइल में, ये है। कुछ लिंक्स आप लोगों के ऐसे होते हैं जो कि अप्रूवल में जाते हैं, कुछ लिंक आप लोगों के अप्रूवल के लिए जाते हैं, अगर वो अप्रूव ना हो तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर हम लोगों ने लाइव लिखा है यहाँ पर आप लोग अप्रूवल लिख देते हैं कि आपका लिंक जो है वो अभी तक अप्रूवल के लिए क्या हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों की क्लास में ही मैंने दो लिंक क्रिएट किए, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं जितने भी लिंक आप चाहूँ मैं क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो जो लोग फाइवर के थ्रू ये अर्न कर रहे हैं 50, 60, 70 प्रोफाइल बैकलिस्ट के थ्रू आप लोग भी कर सकते हैं। और जब आप लोग मंथली एसईओ की बात करते हैं, अब मैं आप लोगों को एक और चीज समझाता हूँ, जो लोग समझते हैं कि चीजें कनेक्टेड नहीं है, अब मैं उन लोगों के लिए एक चीज समझाता हूँ आपको, कि जब भी आप लोग किसी को कहते हैं ना कि मैं आपके लिए मंथली एसईओ का वर्क करूंगा, मंथली एसईओ 300, 400, 500 डॉलर की बात करते हैं, तो वो जस्ट आपको ये नहीं कहते कि मुझे एक ही कैटेगरी के बैकलिंक्स चाहिए, वो आपसे तमाम कैटेगरी के बैकलिंक्स की डिमांड करते हैं, वो आपसे प्रोफाइल बैकलिंक्स की बात करेंगे, वो आपसे डॉक्यूमेंट शेयरिंग की बात करेंगे, वो आपसे वीडियो शेयरिंग की बात करेंगे, वो आपसे स्लाइड शेयर की बात करेंगे, वो आपसे फॉरम्स बैकलिंक की भी बात करेंगे और वो आप लोगों से सोशल मीडिया शेयरिंग की भी बात करेंगे। ठीक है, मंथली एसईओ में हम लोग ये तमाम सर्विसेज करते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स में भी लिखें बैकलिंक सर्विसेज, तो उसमें एक पैकेज बना होता है। पैकेज बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो पैकेज है वो क्या होता है, जब आप लोग मंथली एसईओ की बात करते हैं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ही मंथली एसईओ सर्विसेज के बारे में, प्रोफाइल बैकलिंक के साथ साथ मंथली एसईओ को मैं पहले समझा दूं आप लोगों को, मंथली एसईओ सर्विसेज में बैकलिंक हब है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट एसईओ, मंथली एसईओ सर्विसेज, ये आप लोगों के पास कुछ वेबसाइट्स हैं वो आ गई। इसके पास 9 ऑर्डर्स क्यों है, ये 15,000 का इसका प्राइस है और 5 डेज में ये 900 बैकलिंक्स हैं वो क्रिएट करके दे रहा है। स्टैंडर्ड में ये 5,500 बैकलिंक्स मंथली एसईओ सर्विसेज और ये 30 डेज का इसका प्लान है, और ये इसका 30 डेज का प्लान है। कीवर्ड ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, कंपटीटर रिपोर्ट, आर्टिकल रिपोर्ट, प्रीमियम स्ट्रेटजी, ये तमाम चीज़ें बस लिखने में होती हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है ये लिखने में है और कुछ नहीं है, इनका लिखने से ज़्यादा इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह आप लोग क्लाइंट को एक प्रपोजल लिख के भेजते हैं तो आप लोग 20 से 25 सर्विसेज के बारे में लिखते हैं, कौन कौन से बैकलिंक क्रिएट करके देंगे, हम लोग प्रोफाइल भी करेंगे, फॉर्म भी करेंगे, डॉक्यूमेंट शेयरिंग भी करेंगे, तमाम करेंगे, लेकिन मेन पर्पज क्या है कि बैकलिंक क्रिएट करना। ठीक है, और हाई अथॉरिटी की करना। अगर आप लोग ये बात कर देंगे आई विल क्रिएट हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स फॉर यू, ठीक है, ये बात भी हो गई। अगर आप लोग कहेंगे कि मैं आपके लिए बैकलिंक्स क्रिएट करूंगा, प्रोफाइल बैकलिंक्स होंगे, उसमें डॉक्यूमेंट शेयरिंग होगी, वीडियो शेयरिंग होगी, फॉरम होगी, गेस्ट पोस्टिंग होगी, तमाम चीज़ों की, दोनों चीज़ों का, दोनों में आप डिफरेंस देखें। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने 5 सर्विसेज गिनवा दी, वहाँ पर आप लोगों ने एक बात में एंड कर दी कि हाई अथॉरिटी बैकलिस्ट क्रिएट करके देंगे, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि क्लाइंट को भी वो चीज़ें जो पेपर वर्क है वो उसको अच्छा करके देंगे तो वो आपको ज़्यादा पे करेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा उसको डिटेल्स लिख के देंगे वो उतना ज़्यादा पे करेगा,
तो यहाँ पर भी यही चीज है, ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज है, जितना ज्यादा लिखते जाएंगे उतना ही वो आपको पे करेगा, ठीक है। अब ये एक मंथ में कह रहे हैं कि मैं 7500 बैकलिंक्स क्रिएट करके दूंगा, तो अगर मैं एज एन एसईओ एक्सपर्ट 7500 बैकलिंक्स क्रिएट करवाने का मतलब ये है कि अपनी वेबसाइट को सैंडबॉक्स में लेके जाना, ठीक है, अपनी वेबसाइट को पेनलाइज करवाना या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लैक हैट एसईओ करवाना। लेकिन लोगों को, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्लाइंट्स, क्लाइंट को भी बहुत सी चीजों की समझ नहीं होती, ठीक है, क्लाइंट को बहुत सी चीजों की समझ नहीं आती। वो कहता है कि क्वांटिटी इज बेटर देन क्वालिटी, इवन के क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी होता है हमेशा से, ठीक है। तो वो क्वांटिटी की तरफ फोकस करता है, और क्वांटिटी में इन लोगों ने अब क्या किया हुआ है, इन लोगों ने बस अपना काम चलाया हुआ है कि 7500 बैकलिंक्स एक मंथ में क्रिएट करके दें। क्लाइंट की वेबसाइट है, उसके साथ जो भी होता है वो क्लाइंट की अपनी स्वार्थी है। हमें अर्निंग होनी चाहिए, हमें 30, 40, 50,000 अर्न होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरह की मार्केट है आपके पास, तो आप लोगों ने किस मार्केट में जाना है ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आता है वन ऑर्डर क्यू में 56,000 है। अब थ्री कीवर्ड्स परफेक्ट लो कंपटीशन न्यू साइट्स चले, इसने डिटेल नहीं लिखी यहाँ पर। कंप्लीट वेबसाइट ऑडिट एंड ऑन पेज एसईओ विद बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्ट और कंपटेंसीज एंड 50 बैकलिस्ट, जस्ट 50 बैकलिस्ट क्रिएट करके दे रहा है और 33,000 उसका प्लान है। प्रीमियम में वो क्या कर रहा है, 30 डेज ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ सर्विसेज और 58,000 उसकी प्राइस है। उसके फाइव ऑर्डर्स क्यू में भी हैं, ये चीज माइंड में रखें कि बेसिक 11,000 के ही उसके फाइव ऑर्डर्स क्यू में। जब आप लोग कंप्लीट ऑफ पेज एसईओ, कंप्लीट एसईओ, मंथली एसईओ की बात करते हैं, तो आपको हर तरह की सर्विसेज आनी चाहिए, ठीक है। जब ज्यादा आप लोगों को अर्निंग करनी हो, ज्यादा पेमेंट आपको चाहिए हो, तो आप लोगों को तमाम सर्विसेज के बारे में पता हो कि बेसिकली क्या बात हो रही है और क्या नहीं हो रही। मंथली एसईओ, मंथली, ठीक है, मंथली ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मंथली ऑफ पेज एसईओ, इसमें कम सर्विसेज हैं। यहाँ पर आ गया लिंक बिल्डिंग ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, हम लोग 2 से 3 सर्विसेज को ओपन करते हैं। यहाँ पर 16 ऑर्डर्स क्यू में ऑफ पेज एसईओ पे। मंथली एसईओ सर्विसेज तो एक अलग चीज है, अब ऑफ पेज एसईओ में अगर आप लोग आ जाएं तो 16 ऑर्डर्स उसके पास क्यू में है, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय उसका बेसिक प्लान भी 8,000 है, टोटल उसने ऑर्डर्स कितने कंप्लीट किए हैं, 67। अगर 67 को ही आप लोग 8,000 से मल्टीप्लाई कर दें, 8,500 से ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, और 16 अभी उसके पास क्यू में, भाई इसको किसी चीज की क्यों जरूरत है, ठीक है। 16 को ही अगर आप लोग यहाँ पर कैलकुलेटर लेते हुए 16 मल्टीप्लाई बाय 8,500 आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करें, भाई 1,36,000 तो वो घर बैठे 1 गीग से अर्न कर रही है, ठीक है। तो उसको क्या जरूरत है किसी भी जॉब के लिए और कुछ भी करने के लिए, और वो क्या कर रही है, 120 हाई क्वालिटी बैकलिंक्स विद क्रिएटेड इन 7 डेज विद डेली बेसिस लिंक बिल्डिंग मेथड, ठीक है। डेली बेस के ऊपर वो लिंक क्रिएट करेगी, 7 डेज में उसने 120 बैकलिंक्स क्रिएट करके देने हैं आपको, ठीक है। 120 उसके बाद 180 और ये प्रीमियम है 280, ठीक है। 29 डेज की सर्विस और 30,000 का उसका बेसिक प्लान है, ये एग्जैक्टली ये ठीक ऐसी हो रही है। यहाँ पर हम लोग देखें क्वालिटी हाई पेज बैकलिंक के, हाई क्वालिटी हाई अथॉरिटी हाई पेज रैंक के बैकलिंक्स मिल रहे हैं और डेली के 4, 5, 6 मिल रहे हैं आपको, तो ये अच्छी चीज है। उसकी इमेज को देखें, मंथली लिंक बिल्डिंग ऑफ पेज एसईओ डेली बेसिस, ठीक है, ड्रिप फ्री, उसकी इमेज में तमाम चीजें जो है वो क्लियर है। ऑफ पेज एसईओ की बात कर रहा हूँ, ऑफ पेज एसईओ की वर्थ कितनी है ये चीज आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑफ पेज एसईओ सर्विसेज विद व्हाइट हेड बैकलिंक्स कितने ऑर्डर है इसके पास क्यू में, 1400 वेब 2.0। अब यहाँ पर जो चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था वो भी आ गई, और पहले के पास कितने ऑर्डर क्यू में है, 16, इसके पास कितने हैं, 14, ठीक है। 100 वेब 2.0, 100 प्रोफाइल बैकलिंक्स, 20 विकी लिंक्स, 20 फॉरम लिंक्स, 15 ब्लॉक कमेंट। अब 21 डेज में ये 4 to 5 टाइप्स के बैकलिंक्स क्रिएट करके दे रहा है अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो इसीलिए इसके पास 14 ऑर्डर्स हैं। अगर आप लोग एक टाइप के कमेंट बैकलिंकिंग को देख लेते हैं कि भाई हमने इसके ऊपर वर्क करना है, तो भाई आप लोग कमेंट बैकलिंकिंग के थ्रू ही अर्न कर सकते हैं, तो आप लोग फिर
मंथली एसईओ के आपके पास पैकेजेस वो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आके आप लोगों के पास ये तमाम तरह के आपके बैकलिंक्स हैं, इसीलिए आपके पास सर्विसेज हैं और 21 डेज की उसकी डिलीवरी है और 14 × 10 ऑलमोस्ट 1,40,000 उसकी प्राइस बनती है। और ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन तमाम चीज़ों को काउंट कर रहे हैं बेसिक प्लान में, ना हम लोग स्टैंडर्ड में मूव कर रहे हैं ना हम लोग प्रीमियम में, जस्ट स्टैंडर्ड में 1,40,000 जस्ट ऑफ पेज एसईओ से कोई अर्न कर रहा है घर बैठे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में ये प्रोफाइल हमने देख ली, उसके बाद 8 ऑर्डर्स क्यू में, ठीक है। मंथली ऑफ पेज एसईओ फॉर टॉप रैंकिंग 100 DA80+ जनरल बैकलिंक्स प्लस एंड वन गेस्ट पोस्ट, एक गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड कर रहा है और 100 वो जनरल बैकलिंक्स आपको क्रिएट करके दे रहे हैं, ठीक है। 8,000 उसकी प्राइस है और 30 डेज की उसकी डिलीवरी है। नेक्स्ट 8 ऑर्डर्स क्यू में थे, अब इसके पास 4 ऑर्डर्स क्यू में, 6,000 उसका प्लान, ठीक है। वेबसाइट एनालिसिस 80 to 100 हाई अथॉरिटी DA50+ बैकलिंक्स और कंप्लीट एसईओ सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पर भी कंप्लीट एसईओ सर्विसेज उसने लिखा हुआ और यहाँ पर भी कंप्लीट एसईओ सर्विसेज लिखा हुआ। तो इन तमाम चीज़ों से हमें किस चीज़ का आइडिया हुआ कि ऑफ पेज एसईओ को मैं क्यों लाइक करता हूँ, ठीक है, वो आप लोगों ने देख लिया। अभी तक हम लोगों ने जो जितनी भी सर्विसेज अपनी क्लास में पढ़ी हैं, ठीक है, इतनी हाई प्राइस किसी की नहीं है और इतने ज़्यादा ऑर्डर्स भी किसी के पास नहीं है। इवन कि मैंने यहाँ पर एक ऑफ पेज एसईओ में ही देखा था, कुछ हमारे पास ऐसे भी गिग्स शो होंगी जहाँ पर आपके पास 60 to 70 ऑर्डर्स जो है वो क्यू में होते हैं, 60, 70, 80 ऑर्डर्स क्यू वाली गिग्स भी हैं यहाँ पर, लेकिन वो भी फर्स्ट पोजीशन में नहीं आई, वो किसी और कीवर्ड में हो सकती हैं रैंक, ठीक है। तो लोकल एसईओ की भी बात होती है, तो यहाँ पर आप लोगों को सेकंड रो को हम लोग ओपन करें तो हमारे पास 1 ऑर्डर क्यू में 11,000, ठीक है, 2 ऑर्डर्स क्यू में 5,000, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर नहीं है इसकी क्योंकि प्राइस भी 15,000 है, ठीक है। वाइट हाइड लिंक बिल्डिंग सर्विसेज 70 मैनुअल बिल्ड बैकलिंग, 70 बैकलिंग्स को क्रिएट करके दे रहा है 15,000 में, लेकिन उसने 45 ऑर्डर्स भी अपने कंप्लीट किए हैं, ये भी देखें, ठीक है। 4 ऑर्डर्स उसके पास क्यू में 2,500 में वो दे रहा है और 30 बैकलिंक्स को क्रिएट करके दे रहा है। 30 बैकलिस्ट क्रिएट करना क्या मुश्किल है? अगर 30 बैकलिस्ट क्रिएट करने मुश्किल है तो हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर आए कि ऑफ पेज एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि फेसबुक में आप लोग जाएं, फेसबुक में भी आप लोग प्लान बनाएं 100 प्रोफाइल बैकलिंक्स या फिर 50 प्रोफाइल बैकलिंक्स, 20 आर्टिकल सबमिशन, 100 ब्लॉकमेंट, 10 PDF शेयरिंग, इसका पैकेज का प्लान ही बनाएं तो आप लोग 5,000 तक ईजिली। अगर आप फाइवर में आपका लक इतना अच्छा नहीं है तो आप लोग फेसबुक के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं, किसी को भी अपनी सर्विसेज 4 to 5 types के आप लोग बैकलिंक्स क्रिएट करके दें उसे, और उससे 5, 6, 7 thousand जो है वो आप अर्न कर सकते हैं पर मंथ। आपके 5 to 6 clients भी आप लोगों को मिल जाएं, डेली के 4 to 5 hours भी आप लोग वर्क करें और अपनी सर्विसेज आप लोग फेसबुक के थ्रू भी दें तो आप लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है, इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है कि बेसिकली इस वक्त एसईओ का कितना ज्यादा स्कोप है और एसईओ के थ्रू आप लोग कितना अर्न कर सकते हो, और ऑफ पेज एसईओ में तो जस्ट बैकलिंक्स क्रिएट करने। एक और बैकलिंक्स आप लोगों के साथ क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि बैकलिंक्स किस तरह से कोरा के हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, साउंड क्लाउड है, बिहांस है हमारे पास, कोई भी हम लोग यहाँ पर टेड का हम लोग लिंक क्रिएट कर सकते हैं, अकेडमिया का कर सकते हैं। तो मैं कोरा का एक क्रिएट करता हूँ, कोरा बेसिकली एक फॉरम है और इसमें हम लोग अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू विद फेसबुक, साइन अप विद ईमेल, नेम मेरा क्या होगा, यहाँ पर नेम मैं अपना रख सकता हूँ यहाँ पर शांति, हाँ ठीक है। ईमेल एड्रेस मेरा कौन सा होगा, ईमेल एड्रेस यही टेम्परेरी मेल जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आए टेम्परेरी मेल को यूज आगे यहाँ पर ये मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है ये चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ गया और यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड लिख लिया, ठीक है। आई एम नॉट रिपोर्ट कैप्चा, और कैप्चा के बाद मैं इसे करता हूँ साइन अप, ठीक है। अब मैंने इसे साइन अप किया, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज को मुझे सेलेक्ट करना होगा, कैटेगरीज के बाद मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है, मूवीज में आ जाए, हेल्थ में आ जाए, कोई भी आप लोग अपनी मर्जी की कैटेगरीज जो है वो चूज करें, हॉलीवुड बॉलीवुड होल प्रोडक्शन। चलें ये हम लोगों ने कर ली, अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे डन करता हूँ, ठीक है, और नोटिफिकेशन को मैं ब्लॉक कर लेता हूँ, लॉडिंग योर फील्ड, और ये मेरी अकाउंट जो है ये मेरा क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपनी प्रोफाइल प्रोफाइल को मैंने एडिट करना है, ठीक है, शादी दुकान के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, ऐड प्रोफाइल क्रेडेंशियल, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैं अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी शादी दुकान की मैंने चूज की हुई है, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, किसी भी कीवर्ड को ठीक है एंकर कर सकता हूँ। एंकर क्या होता है बेसिकली, ये हम लोग कल देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक लिंक जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ शादी दुकान के ऊपर, और ये मैंने इसके ऊपर लिंक लगाना है, किस तरह से इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करूंगा, ऐड करूंगा, और ये लिंक लग जाएगा, इसके बाद मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरी एक प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है शादी दुकान, मैं किसी भी ब्राउजर में जाऊँ और जाके मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। मेरे क्लाइंट ने अगर मुझे ये डिटेल्स बताई हैं तो मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। इस वक्त लैपटॉप में छोटा सा इशू है क्योंकि मैं नई नया पेज जो है वो ओपन नहीं कर पा रहा। खैर, तो यहाँ पर हमारी शादी दुकान जो है ये ओपन हो गई, और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसे अपने पास शादी दुकान डॉट कॉम जो है ये सेव हो गई। मैं यहाँ पर आऊँगा और आके क्या करूँगा, सबमिटेड वेब पेज जो है ये है मेरे पास शादी दुकान, अबर वेबसाइट यूआरएल कौन सा है, शादी दुकान ही, इसे ही कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास आ गया यहाँ पर कोरा कोरा डॉट कॉम, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर ऐड किया कोरा का। अब मैं क्या चेक करूँगा कि इसका डीए कितना है, ठीक है, इसका डीए कितना है, 93 93, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइव, ठीक है। हम मुझे कितनी देर लगी एक बैकलिंक क्रिएट करते हुए, 1 से 1.5 मिनट, ठीक है। तो आप लोगों से 1 से 1.5 मिनट ही लगेंगे, आप लोगों के बैकलिंक जो है वो क्रिएट होते जाएंगे। तो क्वेश्चंस आप लोगों के लेता हूँ मैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट शेयरिंग और वीडियो शेयरिंग की समझ नहीं आई, जब हम लोग डॉक्यूमेंट शेयरिंग और वीडियो शेयरिंग करेंगे तो हम लोग तब इसे देखेंगे कि बेसिकली डॉक्यूमेंट शेयरिंग वीडियो शेयरिंग किस तरह से हम लोग करते हैं और इसके बैकलिंक हमें किस तरह से मिलते हैं, ठीक है। लिंक क्रिएट कहाँ पर होते हैं इसकी समझ नहीं आई अफाज ताला को, लिंक कहाँ पर क्रिएट होते हैं, लिंक यहाँ पर ही क्रिएट होते हैं जैसे मैंने आपके सामने क्रिएट किए, यहाँ से एक एक वेबसाइट को हम लोग ओपन किए जा रहे हैं और वहाँ पर लिंक्स अपने क्रिएट किए जा रहे हैं। साउंड क्लाउड में हम लोग चाहें, बिहांस में हम लोग चाहें तो अपना लिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, मैं बिहांस में आया, और बिहांस में आने के बाद मैंने लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं साइन अप करूँगा बिहांस के ऊपर ही, तब तक मैं कुछ सर्विसेज को स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर, जो ऑफ पेज के हमारे पास सर्विसेज हैं, तो साइन अप